शुरू करें, आइए हेडिंग डालिए आज के लेक्चर की। चैप्टर 21 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी आईपीसी का, और हेडिंग डालिए डिफेमेशन। 499 सेक्शन हमारे पास में है, 500, 501, 502, दीज आर द सेक्शंस जो डिफेमेशन के लिए काम के हैं। मानहानि आप हिंदी में लिखिए, इसे मानहानि कानून कहा जाता है, डिफेमेशन लॉ। और 499 सेक्शन के साथ में आपको एक बात और जाननी चाहिए कि याद करने के लिए आपको आसान हो जाएगा, सेक्शन 199 में इसके प्रोसीजर की कहानी है। कौन सा सेक्शन 199? सीआरपीसी। कि अगर मान लेते हैं किसी का डिफेमेशन हुआ, मानहानि हुई है, तो कंप्लेन कैसे लॉज किया जाएगा, कंप्लेन कहाँ लॉज होगा, इसकी सारी कहानी मिलती है 199 सीआरपीसी में। और 199 सीआरपीसी के साथ एक सेक्शन और आप नोट करें, 199(2). ये बात करता है अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी और गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका अगर डिफेमेशन हुआ है तो उसकी प्रोसीडिंग कहाँ मिलेगी, 199(2) में। दो बातें आप ध्यान से समझें। इसके अलावा एक सेक्शन और आपको नोट करना चाहिए, दैट इज सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी। क्या कहता है ये टाइम लिमिटेशन की बात करता है इन ऑर्डर टू लॉज कंप्लेंट। किसी मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए, परिवाद करने के लिए कितने समय आपको मिलेगा, इसके लिमिटेशन के बारे में 468 बताता है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि डिफेमेशन, अच्छा एक चीज और समझना, ये दो तरह का मामला है डिफेमेशन, ये क्रिमिनल भी होता है और ये सिविल भी होता है, ठीक है। एक को कहते हैं व्यवहार या सिविल मानहानि, एक को कहते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन, दांडिक मानहानि। जब क्रिमिनल डिफेमेशन होगा तो इसमें आप पनिशमेंट की डिमांड करेंगे, काहे की डिमांड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सजा की आप बात करेंगे। और कोर्ट क्या देगा, सजा, सजा कितनी होगी, इट इज डिसाइडेड बाय सेक्शन 500। ये कहता है 2 साल की सजा हो सकती है, ये है क्रिमिनल डिफेमेशन। अच्छा ये डिफेमेशन क्रिमिनल है सिविल कौन डिसाइड करेगा, ये वो आदमी डिसाइड करेगा जिसको डिफेम किया गया है, जिसकी मानहानि हुई है वो तय करेगा। मतलब ये कि मान लेते हैं ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी के बारे में पब्लिक प्लेस में कुछ कहा या कुछ लिख करके पब्लिश कर दिया, तो उसका डिफेमेशन हुआ है, मानहानि हुई है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनसेशन लेना चाहता है, क्षतिपूर्ति, या उसको जेल भिजवाना चाहता है। मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, कंपनसेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, क्षतिपूर्ति, क्योंकि पैसे मिल जाएंगे तो कुछ काम होगा, वो जेल जाके करेगा क्या। लेकिन इसको क्रिमिनल इसीलिए बनाया गया है, चैप्टर 21 में रखा इसीलिए गया है कि मान लेते हैं कोई पैसे वाला आदमी है, तो क्या पैसे वाले आदमी को हर किसी को डिफेम करने की परमिशन मिल जानी चाहिए क्या, बिकॉज उसके पास पैसा है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो मुकेश अंबानी, अगर डिफेमेशन सिर्फ सिविल मैटर होता तो डिफेम कर देता, पैसे चाहिए ले भैया ले जा, कितने 2 करोड़ ये रख ले, उसकी बीवी 300 करोड़ का एप्पल मोबाइल चलाती है, कितने करोड़ का, सच्चाई यही है, उसमें डायमंड लगा हुआ है और गोल्ड स्पेशल एडिशन है, वो देखो गूगल करो तो मिल जाएगा। तो कितने रुपए का मानहानि, आम आदमी, कोई मंत्री है, कोई नेता है, कोई राजनेता है, कोई प्रधानमंत्री, जिसका चाहे उसको डिफेम करता रहता हो। इसको बनाया क्रिमिनल इसलिए गया है कि मान लेते हैं किसी ने किसी को डिफेम किया, आपने कंपनसेशन की डिमांड करी, पैसे भर दिए, दोबारा करता है केस में ले जाओ। अच्छा पहली बार भी सीधे क्रिमिनल केस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहली बार करे दूसरी बार करे, आपको इस बात को समझना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल केस में डिफेमेशन को प्रूफ करना बहुत टफ है। टफ इसीलिए है क्योंकि इसमें एक सेक्शन हमारे पास ये जिसमें एक्सेप्शन, इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो 4 एक्सप्लेनेशन है, और एक्सेप्शंस में जाएंगे आप तो यहां पर में 10 एक्सेप्शंस हैं। 4 इसके स्पष्टीकरण हैं और 10 इसके अपवाद हैं। आईपीसी का सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा है, 499, और कोई भी किसी को डिफेम करेगा वो किसी ना किसी एक एक्सेप्शन में आके गिरेगा। एक्सेप्शन का मतलब है कि ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, ध्यान से समझना है ना। तो जब क्रिमिनल केस चलेगा कोर्ट में तो वो 10 में से कहीं ना कहीं आएगा, और आएगा तो अगला बच के निकल जाएगा। इसलिए आपने बहुत कम सुना होगा कि डिफेमेशन के केस में किसी को सजा मिली है। दूसरी बात यह है कि ये केस कंपाउंडेबल है। क्या है कंपाउंडेबल का मतलब, होता है शमनीय। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है 2 लोगों में। तो अधिकतर लोग जब मानहानि का केस करते हैं, अगर आपने कोई केस सुना हो, चाहे वो नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल का मामला हो, या फिर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का मामला हो, या सलमान खुर्शीद और नाम भूल गया मैं बंदे का, अरविंद केजरीवाल, इनका मामला हो, या राखी सावंत और अरविंद केजरीवाल का मामला हो,
अरविंद केजरीवाल बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब वो चुनाव लड़ रहे थे, नेता बन रहे थे, तो एक ही काम था, दूसरे को डिफेम करो। तो अब आगे बढ़ने का, बड़ा बनने का दो तरीका है क्या? एक तो खुद मेहनत करो, दूसरा दूसरे को कम करो। ज्यादा आसान है दूसरे को कम करने वाला। तो लगातार डिफेम करते रहे और हर किसी ने क्या किया, केस कर दिया और शर्त ये रखी माफी मांग ले तो हम केस वापस ले लेंगे। केस वैसे भी कोई लड़ना नहीं चाहता क्योंकि केस का रिजल्ट क्या आया कब डिपेंड करेगा, वी डोंट नो। कितने साल में आएगा, नो वन नोस। अच्छा, रिजल्ट आ भी गया तो वो अपीलेबल है। केस कहां चलेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के केस में, उसका अपील कहां जाएगा, सेशन कोर्ट में, फिर उसकी अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में, फिर उसकी अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील पर अपील, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। तो बेटर यह है कि कोई पब्लिकली माफी मांग ले, केस खत्म हो जाता है क्योंकि कंपाउंडेबल है। कंपाउंडिंग का बिल का मतलब है कि कोर्ट की परमिशन के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, केस को वापस ले सकते हैं। तो केस वापस लेना आप लिखें इसमें कंपाउंडेबल है, शमनीय है, तो कोई भी पब्लिकली माफी मांग लेता है तो केस वापस हो जाता है, समझौता हो जाता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन मैंने बताए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सूट फाइल करने के लिए क्या टाइम पीरियड है, मतलब अगर आज आपकी किसी ने मानहानि कर दी, डिफेम कर दिया आपको, तो क्या आप 5 साल बाद भी सिविल सूट फाइल कर सकते हो? जैसे कि आज पढ़ा लॉ हमने और पता चला अच्छा ये है डिफेमेशन कि मास साहब ने जो 2 साल पहले किसी क्लास में कह दिया था अरे गधे, तो ये डिफेमेशन है क्या? और है तो क्या उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं? तो सिविल सूट तो आप फाइल कर सकते हैं। जो भी आपको डैमेज हुआ, आपने क्लास जाना बंद कर दिया, क्लास आप जाना बंद कर दिया तो आप LLB पूरा नहीं कर पाए, LLB पूरा नहीं कर दी पाए तो आप जज नहीं बने, जज नहीं बन पाए तो आप जस्टिस नहीं बने, जस्टिस नहीं बन पाए तो आप CGI नहीं बन पाए, और CGI नहीं बन पाए तो देश को नया लॉ नहीं दे पाए। मास साहब को जेल में डाल दो और 2-4 हजार करोड़ का केस कर दो, कितना? और CGI नहीं बन पाए उसके लिए क्या होगा? आपने वो एक डॉक्ट्रिन आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आपने सुना हो, जो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी लॉ है ना IPC में, निकटता वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है प्रॉक्सिमिटी का रूल, कि कितना किसको सजा मिलेगा, कंपनसेशन कितना मिलेगा, आप कितना डिमांड कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनसेशन कितना मिलेगा कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। और कोर्ट एक प्रॉक्सिमिटी रूल को देखता है कि जो लॉस हुआ है और जो कंडक्ट हुआ है दूसरी पार्टी का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन दोनों के बीच में कितना निकट है कि आप उसको डिमांड कर सकें। जैसे केस है, इंदौर का ये केस था, जब वोडाफोन हच हुआ करता था तब का मामला है। एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर था और देवास की किसी पार्टी को उसने फोन लगाया प्रॉपर्टी सेल करने, परचेस करने के लिए, कोई 1-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, मैं एग्जैक्ट अमाउंट भूल रहा हूँ। तो कॉल ड्रॉप होने के कारण डील नहीं डन हो पाई और इसने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा दिया, क्योंकि ये सेवा में कमी, इसे क्या कहते हैं, लैक ऑफ सर्विस, सेवा में कमी। और उसने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी की कीमत थी उतना कंपनसेशन दिलवाया जाए, जो प्रॉपर्टी बिकती इसको फायदा होता। तो कोर्ट ने पूरी हियरिंग के बाद ये कहा कि यस, कंपनी लायबल है, हच इज लायबल फॉर कंपनसेट द पर्सन, कंपनसेट करना पड़ेगा, लेकिन कितना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन? कोर्ट ने कहा उतना ही अमाउंट देने के लिए कंपनी लायबल है जितना इसको दूसरे किसी और फोन से कॉल करने पर चार्ज लगता। अरे आपका कॉल ड्रॉप हो गया, आप दूसरे फोन से कॉल कर लेते, आप घर जाके सो गए, अब हच देगा पैसा? या अगर वो टैक्सी या किसी और सर्विस को लेकर उस परचेसर के पास जा करके बात करता तो जो कॉस्ट लगती वो देने के लिए कंपनी लायबल है। इसके 2 करोड़ की डील थी, फोन कट गया तो एक टैक्सी करता, ऑटो करता पहुंच जाता देवास, या दिल्ली की पार्टी थी फ्लाइट करके दिल्ली पहुंच जाता, इतना ही काम करना था ना। ये घर जाके सो गया, फाइल तैयार कर रहा है कि हज कंपनी से पैसे वसूले करे, ऐसा नहीं होगा। या जैसे एक केस और हमको सुनने के लिए मिलता है, कहानी है छोटी सी, अगर आपने सुनी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है कि ऐसा हुआ कि एक बार एक राजा था, उसका नेबर किंग उस पर हमला करने वाला था, पड़ोसी राजा। तो ये राजा ने क्या कहा, इसको पहले पता चला इंटेलिजेंस वाले इसके पास भी होंगे, IB वाले, तो उन्होंने बताया कि ऐसा होने वाला है, तो अपने सेनापति को बुलाता है, वो चीफ ऑफ आर्मी को, और कहता है कि जाओ आर्मी तैयार करो और जब वो अटैक होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये जो भाई था आर्मी का चीफ, ये एक पास के गांव में चला जाता है ब्लैक स्मिथ लोहार के पास में, और कहता है मेरे घोड़े को नाल पहना दो, तैयार कर दो इसे, अब हम युद्ध में जाएंगे। तो वो जो लोहार है वो 3-4 दिन का टाइम ले लेता है कि लोहा निकालेगा, उसको गलाएगा, फिर उसको पहनाएगा। जब भाई वापस आता है तब तक राज्य लुट चुका, आक्रमण भी हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्वेश्चन ये है, क्या वो लोहार, दैट ब्लैक स्मिथ इज लायबल फॉर द एंटायर मेस व्हाट एवर हैपेंड? नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा क्या है प्रॉक्सिमिटी रूल, समझना इस बात को।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। और उसके लिए प्रूव क्या करना होता है? उसके लिए प्रूव करना होता है कि बिकॉज ऑफ दिस डिफेमेशन, ये जो मानहानि हुई है उसके कारण किसी को इकोनॉमिक लॉस हुआ है। इकोनॉमिक लॉस जैसे एग्जांपल से समझा दूं, मान लेते हैं कि कोई एक बैंक है एक्स वाई जेड, उसके बारे में आपने एक पब्लिश करके लीफलेट बांट दिया या सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ये बैंक जो है बैंकरप्ट होने वाला है, या लिख दिया कि ये बैंक जो है इसकी सर्विसेज ठीक नहीं है। जैसे आपने देखा ना अभी वो बॉटल उठा के साइड कर दिया भाई, धम से गिर गया शेयर। कौन था वो? रोनाल्डो। आपने देखा नहीं देखा पता? तो हाँ, कोका कोला वाला मैटर। तो ऐसे ही आपने लिख दिया, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, कि फलां बैंक की सर्विसेज अच्छी नहीं है, और लोग उस बैंक में अकाउंट खुलवाना बंद कर दें, अकाउंट क्लोज करवाना शुरू कर दें, तो जो कुछ भी लॉस हुआ उसको, उस लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? द पर्सन हु डिफेम्ड, जिसने ऐसा किया है। अभी हम तय करेंगे रोनाल्डो की जिम्मेदारी है नहीं है, क्यों नहीं है वाली कहानी। तो जिम्मेदारी होगी क्या? बिल्कुल होगी उस लॉस को बेयर करने के लिए। ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन किसी को कुछ इकोनॉमिक लॉस हुआ ही नहीं है तो वो क्या क्लेम कर सकता है? आंसर है नहीं, कोई क्लेम करने की उसको अथॉरिटी नहीं है, मतलब वो अमाउंट डिसाइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट कुछ भी सिग्निफिकेंस अमाउंट या कुछ भी कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मंगल पांडे का एक केस है, आमिर खान वाला, आमिर खान प्रोडक्शन वर्सेस सक्सेसर्स ऑफ मंगल पांडे, एक केस है हमारे पास में। जब मंगल पांडे नाम की मूवी आई थी तब यूपी में रहते हैं मंगल पांडे के वंशज, आपको बता दूं बहुत गरीबी की हालत में रह रहे हैं। अगर आप यूट्यूब करो तो दिखाई पड़ेगा कि हम पढ़ते हैं जिनके बारे में, वो गरीबी में रह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको कोई गवर्नमेंट से कुछ मानदेय नहीं मिला, चीज़ें नहीं मिली। क्योंकि इतिहास में मंगल पांडे को क्या बताया गया? विद्रोही, अ पर्सन हु अबेटेड द म्यूटिनी एंड द पार्ट ऑफ म्यूटिनी। ये तो बाद में हम आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं कि वो पहले शहीद थे, ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, द फर्स्ट मार्टियर। अरे ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन कहानी ये नहीं कह रही। एनसीईआरटी की किताबों में अभी तक अगर आप देखेंगे तो पढ़ेंगे कि भगत सिंह आतंकवादी थे, टेररिस्ट। चल कुछ रहा, अच्छा वो पढ़ाया क्यों जा रहा है? फिर आपको पूछना चाहिए सजा क्यों मिली? अगर आप लिखोगे वो तो बहुत महान आदमी थे, फिर सजा काहे के लिए मिली, फांसी क्यों मिला? तो क्योंकि उस समय उन पर वो चार्ज लगा था। अरे उस समय अंग्रेजों ने तो वही चार्ज लगाया था ना, तो उसमें क्या लिखा जा सकता है कि गलत चार्ज हुए थे, गलत एलिगेशन हुआ था, या वो हमारी तरफ से लड़ रहे थे? इतनी सी बात समझने की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी जो तुम्हारा शहीद है हो सकता है किसी और के लिए टेररिस्ट हो, जो तुम्हारा टेररिस्ट है किसी और के लिए शहीद होगा। वो तो डिपेंड करता है ना कहां से कहां तक कौन सी बातें चल रही है। मेरी बात समझ में अगर आ रही है तो डिफेमेशन के लिए एक रुपए का कंपनसेशन दिलवाया गया मंगल पांडे के वंशजों को। कितने रुपए का? हाँ, डिमांड भी उन्होंने उतनी की थी, क्योंकि ज्यादा डिमांड करते तो पूछा जाता ना कहां लॉस हुआ, इकोनॉमिकल लॉस क्या है। मैं जो शब्द मानते हो कहते हैं 500 करोड़ चाहिए आमिर खान प्रोडक्शन से, किस बात के लिए? और डिफेमेशन क्या था? उन्होंने फिल्म में ये दिखाया था कि मंगल पांडे जो है एक प्रोस्टिट्यूट ब्रॉथल हाउस है, प्रोस्टिट्यूट सेंटर, वहां जाते हैं और वहां एक वेश्या मिलती है उनको, उसका नाम है रानी मुखर्जी, उसके साथ वो गाना वाना गाते हैं दारू पी करके। तो उनके वंशजों का कहना था मंगल पांडे की लड़ाई ही इसके खिलाफ थी कि वो जो बुलेट था उसमें मांस लगा हुआ था, तो वो नॉनवेज खाने और दारू पीने का काम कैसे कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। और आमिर खान प्रोडक्शन ने माफी मांगा, उस गाने को मूवी से हटाया। तो ये क्या हो सकता है? सिविल सूट। सिविल सूट में पनिशमेंट की बात नहीं होती। किसकी बात नहीं होती? और टाइम कितना है इसके लिए? 1 ईयर। क्या? 1 साल का समय। आज डिफेमेशन हुआ है तो विद इन अ ईयर, 1 साल के भीतर, है ना, एज पर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट आप उसको सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। 1 साल के बाद टाइम बार हो जाता है, नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए कितना टाइम है? ये रेगुलेट होगा सेक्शन 468 से, और इसके लिए समय है 3 साल। कहाँ मिलेगा? सीआरपीसी सेक्शन 468। 3 साल के भीतर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, 3 साल के बाद वो भी नहीं कर सकते। टाइम बार हो जाता है, क्या हो जाता है? जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद, अगर आपको समझ में ना आए ये सिविल सूट के बारे में बात कर रहा है या क्रिमिनल केस के बारे में, तो इंग्लिश वर्जन पढ़ना। ऐसे हिंदी में लिखा रहता है वाद दायर करने के लिए, मामला संस्थित करने के लिए, दो शब्द अलग अलग आते हैं। तो क्रिमिनल केस होगा दांडिक मामला, और व्यवहारवाद होता है सिविल सूट, ठीक है। समझ में आई कहानी? 1 साल 3 साल भूलोगे तो नहीं, मुझे उम्मीद है कि याद है। सजा कितनी है? 2 साल की। सेक्शन कौन सा है? 500। डिफेमेशन कहाँ डिफाइंड है? चैप्टर 21 में। धारा कौन सी है? 499। कितने एक्सप्लेनेशन है? 4। कितने एक्सेप्शन है? 10। अरे जागो, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये नंबर्स, ठीक है। अब डिफेमेशन जो है ये दो तरह का होता है, कैसा होता है? एक कहलाया जाता है स्लैंडर,
और एक कहला जाता है लाइबल। ये बोल कर किया जाता है बाय स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, और ये लिख कर किया जाता है बाय राइटिंग। इसे कहा जाता है अपमान लेख हिंदी में, और इसे कहा जाता है अपमानित करना या अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करना। स्लैंडर क्या है? अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करना, गाली गलौज करना। लाइबल क्या है? अपमान लेख। आपने कोई आर्टिकल लिखा और लिख करके आपने किसी के बारे में कहा कि ऐसा ऐसा है, और ये अपमान लेख है। दो ही तरीके से किया जाएगा, तीसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी जो तरीके और होंगे वो इनमें से किसी में आएंगे। जैसे हमारे 499 में लिखा हुआ है बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कैसा? दृश्य रूपणों द्वारा। हिंदी वालों आप हिंदी में लिखें। और एक शब्द लिखा है बाय साइंस। साइन का मतलब है इशारों से, संकेतों से। तो इशारों से किया जा सकेगा, बोल कर किया जा सकेगा, लिख कर किया जा सकेगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से किया जा सकेगा। अगर हम इंग्लिश लॉ में जाते हैं तो हमको दो तरह की बातें मिलती है। हमारे इंडियन लॉ में ऐसा कोई भी दो तरीका लिखा नहीं है 499 में। स्लैंडर और लाइबल नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। क्या लिखा है? एक ही शब्द है डेफेमेशन। और डेफेमेशन यानी मानहानि कैसे की जा सकेगी? लिख कर, बोल कर, संकेतों यानी इशारों से, और दृश्य रूपणों द्वारा, मतलब कोई मूवी बनाकर, कोई पिक्चर बनाकर, कोई चित्र बनाकर। ठीक बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। नहीं आए तो मुझे रोकना है ना। चलें एक्सप्लेनेशन वन में। एक्सप्लेनेशन वन कहता है आप सिर्फ कोडवर्ड लिखते चलना। आपके एग्जाम में पूछता है क्या मृतक की मानहानि हो सकती है? इसका आंसर है हाँ, मरे हुए व्यक्ति की मानहानि हो सकती है। कब? जबकि जो उसके सक्सेसर्स हैं, जो उसके वंशज हैं, जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं बचे हुए, उन पर कोई इंपैक्ट डालता हो, उस पर उसके बारे में कुछ कहना बोलना, अदरवाइज वो डिफेमेशन नहीं है। पहली बात तो आप ये समझें। इसके आगे की एक बात और समझें, कुंदन कुमार आप स्पष्ट समझें कि दो तरह के लोग मरे हुए हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में जाके समझा दूं। एक मर गया आदमी है जो कि SC ST कम्युनिटी का नहीं है। कौन सी कम्युनिटी का नहीं है? तथाकथित अपर कास्ट का, जनरल कास्ट का आदमी है। उसको डिफेम करना कहां पनिशेबल है? सेक्शन 500 में। कितनी सजा मिलेगी? अधिकतम 2 साल। केस कैसा है? नॉन कॉग्निजेबल। केस कैसा है? कंपाउंडेबल। केस कैसा है? बेलेबल। लेकिन अगर वो आदमी SC ST कम्युनिटी का है, कितनी कम्युनिटी का? 5 साल की सजा है। कितनी सजा? नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, नो एंटीसिपेटरी बेल। कहां पर में? SC ST एक्ट। और बोलो, ठीक बात समझ में आ गई? एक ही सेक्शन है SC ST एक्ट में, सेक्शन 3। जब मैं ये SC ST एक्ट एक बार पढ़ा रहा था कुछ स्टूडेंट्स को PSC के, तो मेरे पास दो लोग थे जो क्राइम डिपार्टमेंट में काम कर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर थे दोनों ही। तो उन लोगों ने बोला कि बोले सर हम SC ST का मतलब सेक्शन 3 ही समझते थे, इतनी सारी और बातें हैं क्या इसमें। तो बकायदा उन्होंने नोट्स की कॉपी करवा के सारे डिपार्टमेंट में बंटवाया कि ये और भी है भैया चीजें, ये समझो। तो एक खतरनाक कानून, कैसा कानून है? जो कि प्रो SC प्रो ST है, उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, आपको ये बात समझनी चाहिए। नॉन अवेलेबल है डिफर्मेशन, और एंटीसिपेटरी बिल के भी प्रोविजन नहीं, आप समझो। एक्चुअली 2017 में केस हुआ, आपको बताऊं, सुभाष महाजन, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है। और इस केस में क्या हुआ बताऊं, एक दो लोग, ये सुभाष काशीनाथ महाजन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कोई बड़े पद पर थे, और इन्होंने क्या किया, दो लैब असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का रीजन था कि बिना बताए गायब हो गए थे वो लोग, छुट्टी पर चले गए थे, और रिकॉर्ड से पता चलता था कि पहले भी ऐसा कर चुके थे वो लोग। तो 7 डेज के लिए सस्पेंड किया, और सस्पेंड करने के बाद उन्हें चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा करोगे तो जॉब से टर्मिनेट कर दिए जाओ। गवर्नमेंट जॉब में थे वो लोग। इन दोनों लोगों ने जा करके सुभाष काशीनाथ महाजन के अगेंस्ट केस कर दिया SC ST एक्ट में। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम फलां जाती थे। SC ST एक्ट ये कहता है विदाउट एनी प्रायर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन द पर्सन इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। 40 दिन तक सुभाष काशीनाथ महाजन जेल में रहे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट ऑफ सेशन ने बाइज्जत बरी किया, क्योंकि रिकॉर्ड से यह पता चला कि कहीं भी जाति वाला मामला नहीं है। ये दो लोग पहले भी ऐसा कर चुके थे, इनको पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी, और जो कुछ भी हुआ है एज पर दी कंडक्ट हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ है, जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट के कंडक्ट वाला जो आचरण संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अनुसार हुआ है। और जैसे ही इनको छोड़ा, ये सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल 32 में। इनका कहना था आर्टिकल 22 और 21 के इनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिक, उसका वायोलेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने के लिए जो गवर्नमेंट के जो व्यक्ति थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, क्या नाम कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, तो नोटिस भेजा कि भैया ये कानून ऐसा कैसे बनाया जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। और ये कानून नया नहीं बना, कब बना है, 1989 में। और एक बात पता चली कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे, उस समय बहुत सारे केसेस और भी आ रहे थे, पेंडिंग केसेस में भी ऐसे हैं जहां पर में बहुत सारी बातें झूठी पाई गई, देखने में पाई गई, क्योंकि सच में जिसको जरूरत है वो उसका उपयोग ही नहीं कर रहा। आपको मैं समझा दूं, ऐसा नहीं कि कानून खराब है, ऐसा नहीं कि एससी एसटी लोग खराब हैं, महिलाएं और एससी एसटी के लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, आप इस बात को मान के चलो, कानून भी ये मान के चल रहा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि जिसके लिए वो लॉ बना है वो उसको यूज ही नहीं कर रहा। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक्ट है, मेरा अभी रिसर्च ही उसमें कर रहा हूँ मैं, मेरा रिसर्च की जो उसका मेरा टॉपिक है वही टॉपिक पीएचडी का ये है, क्या कैसे इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है लॉ का। तो मेरी रिसर्च अभी तक 1.5 साल की रिसर्च ये कह रही है कि जिन महिलाओं को एक्चुअल में ज़रूरत है उनको तो लॉ का ही नहीं पता कि ऐसा कुछ लॉ है, यूज़ कौन कर रहा है, वो जो मिसयूज़ करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जिन लोगों को इस कानून की ज़रूरत है, एससी एसटी वालों को, उनको पता ही नहीं है। सोचो मेरे भाई को नहीं पता कुंदन को, तो बाकी आम जनता की कैसे बात करेंगे, ये एलएलबी का स्टूडेंट है, मेरी क्लास में पढ़ रहा है, आप सोचो जरा एक बार। तो जिनको यूज़ करना है उनको तो पता ही नहीं है, तो किनको पता है, वो जो मिसयूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कानून का क्या हो रहा है, मिसयूज़। सीधी सी बात ये है, तो क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ने से मिसयूज़ खत्म होगा। लोग समझते हैं अवेयरनेस बढ़ेगा तो मिसयूज़ बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अप्रैल 2018 में जजमेंट दिया और कहा कि जब कभी कोई पर्सन, सुभाष काशीनाथ महाजन वाले केस में कहा कि जब कभी कोई व्यक्ति एससी एसटी केस में किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करेगा, तो कोर्ट ने कहा तीन चार मोटी मोटी बातें। पहली बात तो ये कि पहले प्रायर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, कौन करेगा, कहा डीएसपी लेवल का अधिकारी करेगा। डीएसपी कौन, आम स्टूडेंट डीएसपी नहीं बनता, डीएसपी बनने वालों को देखो जाकर के, सुबह से शाम तक लकड़ी के पट्टी में बैठकर क्या क्या पढ़ते हैं, अनाप शनाप मास्टर साहब को सुनते हैं, सब जाके प्री एग्जाम देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर बनते हैं डीएसपी। तो सीधी सी बात है, जो आदमी इतनी मेहनत से बनाए वो गलत तो नहीं करेगा, इसलिए कौन करेगा, डीएसपी लेवल का अधिकारी। और साथ दूसरी बात ये ही कही कि मान लो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट अगर ऐसा आरोप है तो एसएसपी लेवल का अधिकारी जांच करेगा, और अगर जांच में पाया जाता है कि प्राइमा फेसी, कैसा, प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो बिल्कुल पहले वो सस्पेंड होगा, एफआईआर होगा, और सारी कानून ऐसे ही पालन किया जाएगा जैसे किया जा रहा है। दूसरी बात, एससी एसटी एक यही कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजन नहीं है, यहाँ अग्रिम जमानत के अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि लॉ बनाकर आप कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को यह कहा, आपको अधिकार नहीं है। सीआरपीसी कह रहा है एंटीसिपेटरी बेल हर किसी का राइट है और एंटीसिपेटरी के लिए कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो सेक्शन 18 था हमारा एससी एसटी का, कहा उसको क्वैश कर दिया, इनऑपरेटिव है। और अगर आप उस समय जिंदा थे आप सब, तो आपको पता होगा पूरे देश में बवाल मच गया, दो धड़ों में लोग बट गए थे। एक तबका था जो कह रहा था कि हैं आरक्षण खत्म कर दिया कोर्ट ने, दूसरा कह रहा था कैसे कर दिया, ये बहस चल रही थी। और भिंड मुरैना में 10 जने मर गए गोलीबारी में, इसी में गोलीबारी मर गए, आपस में गोलीबारी कर दी, अगर आपने पढ़ा हो उस समय। और किस पर दबाव बना, कोर्ट पर। मैं कई बार क्लासेस में ये कहता हूँ कि कानून आप और हम बनाते हैं, तो लोग कहते हैं हम कैसे बना सकते हैं, इसका एग्जाम्पल 2018 है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्वैश करने के लिए, ओवर रूल करने के लिए, हटाने के लिए सेप्टेम्बर 2018 में गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई जिसमें एससी एसटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 18A जोड़ा गया। उसकी लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द एससी एसटी एक्ट शैल रिमेन एज इट इज दो द जजमेंट और ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड। उसकी भाषा है, मतलब कैसे कर दिया वैसा का वैसा, कि एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन नहीं है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, नो प्राइमरी इंक्वायरीज रिक्वायर्ड, कंप्लेन अरेस्ट। अब कहो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी लेना नहीं चाह रहे। हम लड़ रहे हैं अभी भी, कहाँ लड़ रहे हैं हम, कि मुगलों ने हमारे साथ ऐसा किया था, अरे चले गए मुगल भैया अब आओ, हम लड़ रहे हैं अभी भी, मुगल ने फला बिल्डिंग तोड़ दी, अरे चले गए मुगल, अभी बात करो ना वर्तमान समय में।
यही बात कौन कह रहा है? हमारे साथ शोषण हुआ, अरे खत्म हो गया, शोषण करने वाले और करवाने वाले दोनों मर गए। अब आओ ना वर्तमान में बात करते हैं ना, प्रेजेंट टाइम में। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आ रही है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, लिख लें, मैं वापस चीजों को मिटा दूं और आगे चलूं। तो पहली बात आपने क्या लिखी, क्वेश्चन पूछता है क्या मृतक डिसीज की डिफेमेशन या मानहानि हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, अ डिसीज पर्सन कैन बी डिफेम्ड एंड डिफेमेशन ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन कैन बी डन अगेंस्ट द पर्सन। और इसका इलस्ट्रेशन पढ़ें आप, सेक्शन 499 का पहला वाला। शोभा पढ़ दोगी क्या? ये वाला नहीं, एक्सप्लेनेशन वन, एक्सप्लेनेशन वन, इलस्ट्रेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन। हाँ, दिस वन। It may amount to defamation. Impute anything to a deceased person. If the imputation would harm the reputation of that person if living, and is intended to be harmful to the feelings of his family or other near relatives. Underline कर लो इस बात को, जो उसके परिवार के लोग हैं, कोई संबंधी बचे हैं, अगर उनके फीलिंग्स को हर्ट करने वाला है, हर्टफुल टू देयर फीलिंग्स, यस इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन। और आप इसे अंडरलाइन कर लें, द पर्सन कैन बी डिफेम्ड। एक्सप्लेनेशन टू में चलें। एक्सप्लेनेशन वन आपने लिख लिया, यही लिखिए मृतक की मानहानि, ऐसा लिखें आप, आपको याद रहेगा। दूसरा लिखें एक्सप्लेनेशन टू, ये कहता है कंपनी या एसोसिएशन, इनकी भी डिफेमेशन हो सकती है। प्रश्न पूछता है कैन एनी कंपनी और एसोसिएशन बी डिफेम्ड? आंसर इज यस, दे कैन बी डिफेम्ड बिकॉज दे आर हैविंग द लीगल पर्सनालिटी, उनकी एक वैधानिक व्यक्तित्व होता है उनके पास में, इसीलिए उनका भी डिफेमेशन हो सकता है। आप उसे बंडलाएं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, एक आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ लिखकर पब्लिश कर दिया, अकाउंट्स बनने बंद हो गए, तो ये डिफेमेशन में आएगा, आप ध्यान रखना। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आप नेक्स्ट देखें, तीसरा देखें आप, यहां पर मैं लिखा है यहां पर मैं आयरॉनिकल स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट? आयरॉनिकल, इसे कहा जाता है सरकैज्म, अगर आपने सुना हो आम बोलचाल में। व्यंगोक्ति, कैसी युक्ति? मतलब बोल रहे हैं कुछ, मतलब है कुछ, क्या बोल रहे हैं कुछ, उसका मतलब है कुछ। जैसे बीच में एक आदमी ने, बंदे ने मेरे फेसबुक पर कुछ कमेंट लिखा, मैंने रिप्लाई में लिखा बहुत महान हो, कहाँ थे अब तक? तो उसने रिप्लाई में लिखा सर आपका ही शिष्य हूँ, आपसे ही सीख रहा हूँ। तो मैंने उसकी तारीफ नहीं की थी, वो जो मैसेज था ना बहुत महान हो, उसकी तारीफ नहीं थी, वो क्या था? मैं बोलना चाह रहा था अरे गधे, यही तेरे को वॉल मिला गंदगी मचाने के लिए, ऐसा लिखना चाह रहा था। लेकिन मैं ऐसा लिखता नहीं हूं, मैं ऐसे बात करता हूं। उसने क्या समझा? लिख रहा है हाथ जोड़ करके, बोला सर आपका ही शिष्य हूं, आपसे ही सीख रहा हूं। तो ये कमाल हो गया, सरकैज्म का सरकैज्म हो गया। तो कौन जाने वो भी सरकैज्म में बात कर रहा हो, गॉड नोस। लेकिन हाँ, जब कभी आप समझना एक चीज, बहुत कमाल के हैं हमारे इमोशंस और हमारे वाइब्रेशंस, इफ यू कैन फील दैट। अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा है, आई कैन फील दैट, इमोशंस अटैच होकर आते हैं, मतलब वो प्यार से भेज रहा है, गुस्से से भेज रहा है, यू कैन फील दैट। आप उस इंसान को जान रहे, मैं पूरा फील करता हूं। अगर आपने कभी कुछ लिखा ना, तो शब्दों से नहीं, इमोशंस से, कि मजाक कर रहा है, कि क्या कर रहा है, उसमें साथ में कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे इमोशंस इतने, हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा, क्या कहना चाहिए, पावरफुल है, कि वो अटैच हो जाती है मैसेज के साथ में। कभी करके देखना फील, अगर नहीं करते हो तो, है ना, ध्यान से पढ़ना, आपको पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, कि बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डम हो, डम समझते हो, गधे, तो ये समझ में नहीं आएगा, फिर आप सरकैज्म को क्या समझोगे। बढ़िया, जैसे एक अच्छा एग्जांपल है, क्लास में अभिषेक की मोबाइल चोरी हो गई, क्या चोरी हो गई, और अभिषेक दो पुलिस वालों को बुला लाया, और पुलिस वाला कह रहा है कि अभिषेक की मोबाइल चोरी हो गई, भैया किसने चुराया? गार्गी कहती है कि हम सब चोर हैं, हमारी तलाशी ले लो, सुमित को छोड़ देना, बहुत ईमानदार है वो। और सुमित कह रहा है कि गार्गी तुम अकेली हो जो मुझे समझी, है ना, बाकी सब तो मुझे ही चोर समझते हैं। तो गार्गी एक्चुअल में क्या कह रही है? गार्गी कह रही है उसको पकड़ के ले जाओ। यही है सरकैज्म, क्या कहते हैं इसे, यही है व्यंग्योक्ति।
ठीक है, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो थर्ड कह रहा है आयरनिकल इम्प्यूटेशन, मतलब कोई व्यंग्योक्ति करना, ऐसे कोई लांछन लगाना व्यंग के माध्यम से, यह भी ऑफेंस हो सकता है। और इसका इलस्ट्रेशन आपके पास में है, यह है इलस्ट्रेशन ए। शोभा प्लीज पढ़िए। अब समझना एक बात ध्यान से, कह रहा है कि अगर उसका इंटेंशन है कि यह समझा जाए कि वो चोर है, इंटेंशन कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा उसके लिए आपको इंटेंशन को समझने वाला मन समझ चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि सुमित गार्गी के पैरों में पड़ जाए। अगर उसका समझ नहीं, समझे तो क्या कहेगा, कैसे ईमानदार बोल दिया तुमने मुझे, तो पुलिस कहेगी अच्छा तुम ही चोर हो क्या। बातें समझ में आ रही है जो कहना चाह रहे हैं हम? तो इसके लिए एक और शब्द हमारे पास में आता है, आप लिख लें, क्या पता कहीं आपको दिखाई पड़ जाए, परेशान हो जाओ, ये नोट डाउन कर लो। इन्यूएंडुओ ऐसा कहा जाता है, इसे इंग्लिश में INNUENDO, इन्यूएंडु ऐसा कहेंगे शायद इसे। तो आयरोनिकल स्टेटमेंट, सरकैज्म, हिंदी वालों के लिए यहां बढ़िया सुविधा है, एक ही शब्द है व्यंग्योक्ति। क्या शब्द है? व्यंग्योक्ति। आपके पास एक ही शब्द है, आप टेंशन लो मत, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं देखा मैंने कि वेदर इन्यूएंडु में अमाउंट टू डेफेमेशन, आंसर इज यस, इट फॉल्स अंडर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 499। ये अपवाद नंबर 3 धारा 499 के अंतर्गत क्या माना जाएगा, मानहानि माना जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि बेईमान बोलना मानहानि हो, ईमानदार बोलना भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि गधा बोलना मानहानि हो, समझदार बोलना भी हो सकता है। क्या तुम ही समझदार हो यार, क्या हो गया ये? मतलब वो कहना चाह रहा है तुम गधे हो, ऐसा बोलते ना कई बार, तू अकेला ही समझदार है यहाँ, हम सब गधे हैं। इसका मतलब कहना चाह रहा है हम सब समझदार हैं, तू अकेला गधा है ना, इन बातों को समझो। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कोई तारीफ करे तो गलत में ले लो उसे। कोई ये कहे कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और आपको अच्छा बेटा, सरकैज़्म दे रहा है, ऐसा मत समझना। कौन जाने बेचारा मन से तारीफ कर रहा हो, है ना, लड़कियों ध्यान रखो, लड़कों तुम तो समझो सरकैज़्म ही चल रहा है। कोई ऐसा कह देना कि सुमित तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो, बातों में आ मत जाना। चलो चलें एक्सप्लेनेशन 4 देखें। एक्सप्लेनेशन 4 टॉक्स अबाउट द फॉलन रेप्यूटेशन। क्या कहते हैं इसे हम? फॉलन रेप्यूटेशन। फॉलन रेप्यूटेशन का मतलब होता है ख्याति को कम करना, ख्याति को कम करना। क्या करना? ख्याति समझते हो, किसी का बहुत बड़ा फेम को कम करना, इंग्लिश में वर्ड आएगा फेम, और इससे ही बना है हमारे पास वर्ड डिफेम, और डिफेम से ही वर्ड बना है डिफेमेशन। इसका प्रोनंसिएशन इंग्लिश में होता है डिफेमेशन, नॉट डिफेमेशन, बना बाकी डिफेम से है। तो ख्याति को कम करना, रेप्यूटेशन को कम करना। और एक्सेप्शन 4 एक्चुअली उन्हीं लोगों पर अप्लीकेबल होगा जिनका कुछ नाम है, जिनकी कुछ ख्याति है, जिनको चार लोग पहचानते हैं। कितने लोग? चार। वही चार जो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप जज बनोगे, ठीक। तो देखें कब मानहानि होगी। एक्सेप्शन 4 में, एक्सप्लेनेशन 4 में बहुत सारी बातें हैं। लिखा है नो इम्प्यूटेशन इज सेट टू हार्म अ पर्सन्स रेप्यूटेशन। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कब कोई इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन का मतलब होता है लांछन, लांछन का मतलब होता है ऐसी बात जो कि गलत है, आरोप लगाना आम बोलचाल में, एलिगेशन हम कह सकते हैं शब्द। तो कब कोई इम्प्यूटेशन मानहानि करने वाला कहा जाता है, कब कोई लांछन मानहानि करने वाला कहा जाएगा, तो कब कहा जाएगा? लिखा है पहली बात, इफ दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स। इस बात को अंडरलाइन करना। एस्टिमेशन ऑफ अदर्स क्या बताता है? कि अकेले कमरे में मानहानि नहीं होती। कहां नहीं होती? वो चार जने चाहिए। अदर्स कौन है? वो चार लोग, हाँ। और आप मानहानि हुई नहीं है, कौन बताएगा? कब बताएंगे? जब ये करने वाला चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे मास साहब ने कह दिया कि इस क्लास में सिर्फ प्रदीप ही बुद्धिमान है, समाज साहब चले गए, तब राम बोल रहा है क्या बोल दिया तेरे पास। प्रदीप बोल रहा है क्या बोल दिया, 500 हो गया सेक्शन। और प्रदीप सोच रहा है कौन से लॉ का 500 हो गया। तो किसकी नजरों में वो चार जने चाहिए, ध्यान रखना है ना, अकेले कमरे में नहीं होगा। मतलब एक आदमी, दो लोग किसी कमरे में हैं, ए ने बी को गाली दी, बी ने गाली सुन ली, कोई डिफेमेशन नहीं। कौन चाहिए? वो चौथा आदमी चाहिए। तो लिखा है इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों में, लोअर्स कम करता है,
द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, ये शब्द ध्यान रखना, दूसरों की दृष्टि में हेय कर देता है उसकी उसकी उसके शील को, उसकी साख को, ऐसी वाली बात है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को, और लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग, उसकी जाति के बारे में, किसी और चीज के बारे में उसको घृणोत्पक दशा में दिखाता है, उसको हेय करता है, कम करता है, ऐसे वाले शब्द हैं, और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन और कॉजेज इट टू बी बिलीव दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज लोथसम स्टेट, उसकी शरीर जो है ऐसी दशा में है कि उसे घृणा की जाए, नफरत किया जाए, ऐसी कोई बात कौन समझता है, वो चार लोग। तो जो कुछ भी कहा जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, ये डिफेमेशन है, ये मानहानि है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। क्लियर बात समझ में आई? तो जो एक्सप्लेनेशन फोर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु हैज सम रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी। सबकी सोसाइटी में रेप्यूटेशन नहीं होती है ना, समझना, तो जिसकी रेप्यूटेशन नहीं है क्या उसकी डिफेमेशन नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, इसको भी समझ के चलना। वो कहाँ आएगा? 499 के हमारे सेक्शन में ही आएगा। वो क्या शब्द लिखा है? किसी के बारे में बोलकर, लिखकर ऐसी कोई बात कहना जो उसके मान को कम करता है, उसके रेप्यूटेशन को कम करता है, उसके कैरेक्टर को कम करता है, हम कहेंगे कि क्या ये डिफेमेशन है। जरूरी क्या है? वो चार लोग, कितने लोगों के नजरों में मान होना चाहिए? चार। तो हर आदमी के जीवन में ऐसे चार लोग होते हैं जो उसको अच्छा समझते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं कोई नेता नगरी हो तो। वो ऐसा हुआ कि एक बार हमारे मोहल्ले में एक आदमी जो है चुनाव लड़ा उसने, तो पार्षद का काउंसिलर के लिए, और उसने कहा सबको कि आप हमको वोट देना, हमको वोट देना। बंदा मेरा अच्छा दोस्त था, तो अच्छा आम आदमी कैसा करता है, वोट देता है किसी को, बोलता है सबको भी देर को दिया है, और जो जीत गया उसको तो बोलता है ये तेरे को ही दिया था। अब भाई हो गया चुनाव, वो हार गया, दूसरा आदमी जीत गया। अब एक रोज वो मिला, आप समझो कैसा होता है जीवन में कहानी, तो उसने पूछा यार तूने भी मुझे वोट नहीं दिया, ये वो तेरे परिवार से कम 7-8 वोट आते। तो मैंने कहा यार मैंने तो तेरे को वोट दिया था। बाद में क्या पता चला है, प्रॉब्लम पता है, उसने ही मुझे बताया, उसके खुद के फैमिली वालों ने उसको वोट नहीं दिया। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे इलेक्शन में इसको दो वोट मिले, एक उसका खुद का और एक उसके दोस्त का जो साथ में लेकर गया था, दो वोट। और बंदा खूंखार एकदम बोल रहा है कि यार झूठ तो मत बोल, कम से कम नहीं दिया तो कोई बात नहीं। फिर बताया, बोले दो ही वोट मिले मेरे को, उसके फैमिली में 5 जने थे, उन्होंने वोट नहीं दिया उसे। तो ऐसी वाली कहानी हो जाती है। तो आप इसे देखें, कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा वो चार लोगों की नजर में, उसको दो ही नजरों में उसकी ख्याति थी, उसका क्या डिफेमेशन होगा, ही इज ऑलरेडी बॉर्न डिफेम्ड। तो आप इसे अंडरलाइन करें, इन बातों को ध्यान में रखें, हम चल रहे हैं सीधे एक्सेप्शंस में। अब सबसे पहली बात आते हैं किस पर, रोनाल्डो वाले केस पर, जहां पर रोनाल्डो ने कुछ किया। एक शब्द है यहां पर बाई साइंस, ये बात और है कि ना तो कोका कोला इंडिया का है ना रोनाल्डो इंडिया का है, लेकिन हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लेते हैं वो आदमी होता विराट कोहली, और मान लेते हैं कोका कोला मुंबई की कंपनी होती धारावी की, और ऐसे कर देने पर क्या डिफेमेशन होता, तो उसका आंसर देगा एक्सेप्शन वन। क्या देगा आंसर? अपवाद नंबर एक। अब अपवादों में आ जाओ, मैं इसको मिटा दूं, और सेम काम यही करना, एक्सेप्शंस को भी आप ऐसे ही कम शब्दों में लिखते जाना, बाकी शब्द आपके बेयर में एक्ट में लिखे पड़े हैं, इतने सारे शब्दों के चक्कर में पड़ना मत। मैं 10 एक्सेप्शंस आपको कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं, लिखें। एक्सेप्शन वन में आप लिखें इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। क्या शब्द है? इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। हिंदी में लिखिए सत्य बात का लांछन। कौन सी बात का? सत्य बात का। सत्य बात क्या है? इफ एनीथिंग इज ट्रू। अच्छा ये सच है कि गलत है कैसे पता चलेगा? कोई बात जो बोल रहा है बंदा वो सच है या गलत है कैसे पता चलेगा विभा? फैक्ट्स होंगे, कैसे पता चलेगा? एक ही चीज है, रीजन टू बिलीव, एंड रीजन टू बिलीव मस्ट बी सपोर्टेड बाई सम फैक्ट्स, जो कि विभा बोल रही थी। कोई स्टडी होगा, कोई और चीज होगी, कोई तो रीजन। रीजन टू बिलीव का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, लगने वाली कहानी नहीं। जो हमने रीजन टू बिलीव की कहानी समझी है सेक्शन 26 में, वो क्या कहता है समझो, वो इतनी सी बात कहता है कि अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कुंदन कल शाम 5 बजे भंवर कुआं चौराहे पे चाय पी रहा था, तो ये मुझे लगता है इससे मतलब नहीं है। मुझे पता कैसे चला? तो मैंने देखा होगा, मुझे किसी ने बताया होगा, दैट पर्टिकुलर फैक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो अगर विराट कोहली ने वो कोका कोला की बॉटल हटा दी जिससे कोका कोला डिफेम हुआ, बिल्कुल हुआ, पहले से डिफेम था वैसे, बाबा रामदेव ने
कोका कोला की बॉटल को उसके ढक्कन में पहले ही डाल रखा था, लेकिन अभी इन्होंने जो किया तो वर्ल्ड वाइड उसके शेयर्स गिरे। मैंने पढ़ा 20,000 करोड़ रुपीज समथिंग का उसको लॉस हुआ 24 आवर्स में, 20,000 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा है। लेकिन ये इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ है, क्योंकि ये प्रूवन है फैक्ट कि कोका कोला जो है उससे शरीर में सिर्फ नुकसान होता है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्या नुकसान हो रहा है? सबसे बड़ा पेशेंट बन रहे हैं डायबिटीज के। आपकी जानकारी के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वॉट एवर इट मे बी, उनमें जो शुगर है वो जरूरत से ज्यादा है। एक बॉटल आप पी लो, 10 दिन पी लो तो डायबिटीज लेवल बढ़ जाएगा आपका। फिर जो पेस्टिसाइड मिलाए जा रहे हैं वो पेस्टिसाइड ऐसे ही बॉडी के लिए हानिकारक है। लेकिन पीते ही एनर्जी क्यों आती है? बॉडी में ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज जाता है तो हार्ट रेट बढ़ता है, मजा आ जाता है, आपको लगता है वाह एक बॉटल और घटक लो। तो इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ है समझना, क्या है? सत्य बात का लांछन। सत्य बात के लिए क्या जरूरी है? मैंने बताया सर्टेन ग्राउंड्स मस्ट बी देयर। एक केस लिखिए आप, केस लिखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अन्ना हजारे 1998। अन्ना हजारे को जानते हैं आप? हाँ, रालेगण सिद्धि के महाराज हैं ये, एक सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने बड़ा काम किया हमारे देश में। जो आरटीआई एक्ट 2005 आया है उसके पीछे हाथ अन्ना हजारे का है, आपको जानना चाहिए। या जो अभी लोकपाल कानून आया है, ये बात और है कि वो वीक है वॉट एवर, लेकिन जो लोकपाल आया है उसमें बड़ा हाथ अन्ना हजारे का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अन्ना हजारे ने की है। रालेगण सिद्धि और महाराष्ट्र का वो पूरा एरिया नशा मुक्त है, जबकि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? अन्ना हजारे को। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन लिविंग राइट नाउ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार ऐसा होता है ना, आपके सलाहकार कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अन्ना हजारे ने जब पिछली बार अनशन किया था, आपको पता हो 2011 में, तो पूरे देश में स्ट्राइक हो गया था कि लोग खाना नहीं खाएंगे, अपने अपने घरों में लोगों ने खाना नहीं बनाया मेजॉरिटी, और पूरे फेसबुक पर लोग एक्टिविस्ट हो गए थे और वो अन्ना हजारे की फोटो लगा रहे थे, लिख रहे थे मैं भी अन्ना तू भी अन्ना आओ मिलके खाएं गन्ना, ऐसा लिख रहे थे लोग। तो अन्ना हजारे ने बड़ा काम किया है। इनका ही एक केस है 1998 का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर पर आरोप लगा दिया दैट ही वॉज अ पर्सन ऑफ लोअर मोरल, एक खराब चरित्र का आदमी है और वो बहुत सारे लोगों से ब्राइब और घूस लेता है। किसी ने बताया होगा, इन्होंने बोल दिया होगा, तो इनके अगेंस्ट केस हुआ कि इन्होंने क्या किया, डिफेम किया है, केस ऑफ डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन की मामला इसके उनके ऊपर चलाया गया। और कोर्ट ने यही पूछा कि आपको ये जानकारी कहां से मिली। जैसे मैं कई बार ऐसा कहता हूं ना, मैं पूछ रहा हूं कि क्या, जैसे आपको पूछा जाए कि भैया देश में महिलाओं की हालत कैसी है और आप कहें महिलाओं की हालत पतली है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हम जो बातें करते हैं, इतनी ही बातें आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो पूछा जाएगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन वुमेन इन इंडिया, और आप कहो कि हालत खराब है। फिर आपको पूछा जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कोई मेल पर्सन होंगे, नहीं 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 वो एक्सेप्शन है, वो डाउनलोड हुई थी, वो पैदा नहीं हुई थी। अच्छा आप कहो कि बहुत अच्छी है, फिर प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी कैसी हैं, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों हो रही है, 2005 का एक्ट क्यों आया है, लॉ क्यों जेंडर बायस्ड है, फिर क्या बोले, वही जादू है। तो हमेशा ही जो कंडीशन किसी की होगी, इंडिया की कंडीशन, किसी फीमेल की कंडीशन, किसी कास्ट की कंडीशन, हमेशा प्रोग्रेसिव होगी। कैसी होगी? प्रोग्रेसिव, ठीक हो रही है समय समय पर। यही सकारात्मक सोच है, क्या कहते हैं इसे, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक हो रहा है जीवन में सब कुछ। अच्छा मान लो खराब हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं खराब है, फिर क्या पूछा जाएगा आपके एक्सपीरियंस में, क्या ना मुझे तो फलाने बताया था कि खराब है, आपकी कंडीशन कैसी है, नहीं मेरी तो ठीक है, कैसे पता चला महिलाओं की कंडीशन खराब है, किसी ने बताया था, किसी ने बताया था इज नॉट द लॉजिक जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सेम काम कहाँ हुआ, अन्ना हजारे वाले मैटर में, जब पूछा गया कि आपको कैसे पता कि वो ब्राइब लेता है या भ्रष्ट है या ऐसा है, आपके पास क्या जानकारी है, सुना था, क्या ये ग्राउंड होगा ट्रुथ का? नहीं होगा। आपने ब्राइब लेते देखा हो, आपको ब्राइब मांगा हो, आपने उसके अगेंस्ट केस किया हो, किसी और ने उसके अगेंस्ट केस किया हो, कोई सर्टेन ट्रुथ वाली बात होनी चाहिए, सच्चाई वाली, तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ठीक है। जैसे ए राजा, जानते हो ए राजा को? ए राजा की एक पार्टनर थी महिला, उसका नाम आज तक मीडिया नहीं जान पाया, कनी मोई, कनी मोड़ी, कनी मोजी, पता नहीं क्या था उसका नाम। एक स्कैम हुआ देश में जिसका नाम था 2G स्कैम, सुना है आपने? सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत बुद्धिमान आदमी है हमारे देश के, आप उनको सुने कभी बोलते हुए, वो ले गए केस सुप्रीम कोर्ट तक और उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा स्कैम है ये, बहुत बड़ा घोटाला है। व्हाट वाज दिस स्कैम,
कि जब कभी नेचुरल रिसोर्सेस जैसे स्पेक्ट्रम है, कोल है, माइंस हैं, जब कभी ये सेल किए जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो नियम नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा करती रहती हैं सरकारें, इसको ऑक्शन में देती हैं, कायम देती हैं ऑक्शन, तो ऑक्शन निकाला जाएगा, लोग बिड निकाला जाएगा, लोग फॉर्म फिल करेंगे, निविदा आमंत्रण जिसे कहते हैं, प्रपोजल टू ऑफर ऐसा कहा जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे होंगे अभी, तो लोग उस ऑफर को लेकर आते हैं कि हम इतने रुपए में काम करेंगे, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको बेच दिया जाएगा। ज्यादा बोली क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा वो पब्लिक के लिए यूज होगा। 2G स्कैम वाले मामले में ये हुआ कि ऑक्शन निकाला ही नहीं गया, इसे कहा जाता है पहले आओ पहले पाओ वाली योजना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ऑप्शन निकाला, 1000 करोड़ रुपीज का ये है, मैंने 4 लोगों को दे दिया, आप लोग कर लो काम इसमें, तो अगर बेच दे तो 1,70,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट होता गवर्नमेंट को, 1,70,000 करोड़ रुपए का उतना नुकसान हो गया। दिस वॉज द केस, और जगह जगह छपा कि ये राजा ने ये घोटाला कर दिया, सरकार घोटाले वाली है, ये है, फला है, ढिका है, बहुत लंबा चौड़ा मामला इसमें चला, और लास्ट में बहुत कम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को, कनी मोई को, दोनों बहन भाइयों को छुट्टी कर दी, कहा जाओ तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्या नहीं किया? तो बवाल क्या था? कुछ बुद्धिमानों ने कहा कि कोर्ट को मैनेज कर लिया गया है। ना ना ना, हमको लॉ को समझना होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये जो 1,70,000, मैं इस बात को बड़े आसानी से समझाता हूँ, इसे समझ लो, ये 1,70,000 करोड़ का स्कैम कैसा था? ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी एक बार दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचा हाँफते हुए। कैसे पहुंचा शोभा? हाँफते हुए। तो उसकी बीवी ने कहा कि क्यों हाँफ रहे हो? तो कहता है कि आज मैंने 5 रुपये बचा लिए, बस के पीछे दौड़ता हुआ आया। उसकी बीवी का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है गधे, ऑटो के पीछे दौड़ता आता तो 50 बचते। तो कितना रुपए का नुकसान हो गया? 45 रुपीज का। तो नुकसान हुआ क्या? ठीक वैसा ही नुकसान वहां था। अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, तो इसमें लॉस नहीं था, ये स्कैम भी नहीं था। कारण है कि ब्राइब भी किसी से नहीं लिया था उन लोगों ने, समझना ध्यान से। कभी इंप्यूटेशन लगाया, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया, लोगों ने पब्लिकली बात करी, मीडिया ने पब्लिश किया, ये सब बातें किस में नहीं आती? डिफेमेशन में नहीं आती, बिकॉज देयर वॉज ग्राउंड, केस चल रहा था कोर्ट में, समझना बात को। और ये कहां से रेगुलेट होता है, आप आ जाएं और देखें, आप एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन 2 पब्लिक कंडक्ट मिला आपको। कोई लोक आचरण है किसी लोक सेवक का, कोई मिनिस्टर ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और आप उसके बारे में कुछ भी कहते हैं, तो ये क्या नहीं माना जाएगा? ये डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा नंबर का क्या है? पब्लिक कंडक्ट, लोक आचरण इसे कहते हैं। ध्यान से समझते चलना, बड़ी आसान सी बातें हैं। लेकिन जो अन्ना हजारे वाला केस था उसमें क्या हुआ, फिर से वापस उसी में आता हूं, मैं वही समझा रहा था आपको। एक मिनिस्टर के बारे में बात कही जिसको, जो ग्राउंडलेस था। क्या था? ग्राउंडलेस बात। और अन्ना हजारे कैसे व्यक्ति हैं जो आसानी से माफी वाफी मांगते नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया, सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है, ऐसा वो कहते हैं। जेल डाल दिया गया 2 महीने के लिए सजा। कितनी सजा? 2 months कन्विक्शन सेक्शन 500 में। और क्या नहीं कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा ना तो ये एक्सप्लेनेशन 1 में आता है, एक्सेप्शन 1 में आता है, ना ही एक्सेप्शन 2 में आता है, क्योंकि ये इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ नहीं है, बिकॉज देयर वॉज नो ग्राउंड। मेरी बात समझ में आ रही है? लिखिए कुछ काम की बातें अन्ना हजारे में, नहीं आए तो मुझे रोक के पूछना है ना, ये मेरी जितना लंबा है ये सेक्शन, रोक कर पूछते जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लिखिए अन्ना हजारे वाले केस में, लिखना मिनिस्टर वॉज अलेज्ड बाय अन्ना हजारे टू बी इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के एक मंत्री पर घूस लेने का आरोप लगाया। A minister was alleged by Anna Hazare to be involved in bribery. Anna Hazare ne Maharashtra ke ek mantri par ghus lene ka aarop lagaya. Convicted for 2 months, simple imprisonment. 2 mahine ke saada karavas se dandit kiya gaya. Reason likhna, because reason, karan likho, kyun saza mili? Because there was no evidence to prove that the imputation was truth. क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मौजूद थे कि सत्य बात का लांछन लगाया गया है। Because there was no evidence to prove that the imputation was truth.
क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे कि सत्य बात का लांछन लगाया गया। ध्यान रहेगा, भूलोगे तो नहीं, कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ क्या है, और ट्रूथ क्या है मैंने बताया, फॉर विच यू हैव रीजन टू बिलीव एंड दैट रीजन टू बिलीव मस्ट हैव सर्टेन ग्राउंड्स, फाउंडेशन, कोई आधार होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको लेटेस्ट, अरविंद केजरीवाल ने, नितिन गडकरी का नाम सुना है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें से एक नितिन गडकरी भी हैं। आप नितिन गडकरी को यूट्यूब पर सुने तो क्या थॉट क्लैरिटी ऑफ थॉट है बंदे की, अबाउट वाटर रिसोर्सेज, अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन, आप सुने, कुछ अच्छे लोग हैं, उनको आपको सुनना चाहिए। आपको पता चलेगा सारा डेटा, सारा फैक्ट माइंड में है बंदे के, कि काम कैसे होगा। एक अच्छे कुछ लोगों में से नितिन गडकरी है। और तो नितिन गडकरी पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, कहा कि ये भ्रष्ट मंत्री है, इनकी जितनी कंपनियां चल रही हैं, ही इज अ करोड़पति, पहले से करोड़पति है वो, उसके नाम सुनाप कंपनियां, उसका बेटा कंपनीज देखता है। तो कहा कि इतनी जिनकी जितनी कंपनी चल रही हैं वो शेल कंपनीज हैं, शेल कंपनी होती है फर्जी कंपनी, और ये घोटाले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि मैं इसको प्रूव करूंगा, और डॉक्यूमेंट का बंच उन्होंने हिलाया। सबसे खतरनाक बात यह है कि आज की डेट में हर कुछ कवर हो रहा है, और पता नहीं कितना मेगापिक्सल से कवर हो रहा है। तो जब उसको जूम करके देखा कुछ मीडिया वालों ने, तो उनकी बेटी के 9th क्लास का प्रैक्टिकल बुक था वो। तो पब्लिक हो गई ये बात कि ये तो गलत फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आए, इसको ले आए, दिखाना है किसको देना है। बोले हम बाद में दिखाएंगे, जब मौका आएगा कोर्ट में दिखाएंगे। और डिफेमेशन का केस फाइल हुआ, मेरे ख्याल से 200 या 500 करोड़ रुपीज का केस फाइल किया था नितिन गडकरी ने, और बाद में उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी। अदरवाइज वो भी एक लैंडमार्क जजमेंट होता जो हम पढ़ रहे होते कि कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि पब्लिक कंडक्ट तो है, एक्सेप्शन 2 में तो आएगा, अन्ना हजारे वाला केस भी एक्सेप्शन 2 में तो आएगा, लेकिन 1 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा 1 में? क्योंकि वो इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ नहीं है। तो एक्सेप्शन 2 में आने के बाद भी माफी नहीं मिली अन्ना हजारे को, आपको जानना चाहिए, बिकॉज द इम्प्यूटेशन वॉज नॉट ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसी लोक सेवक के अगेंस्ट, उसके पब्लिक कंडक्ट को टच करने वाली कोई बात भी आप ग्राउंडलेसली नहीं कह सकते। There must be a ground. तो पहला वाला आप ध्यान रखना, हमेशा जरूरी है imputation of truth हो, और truth का मतलब क्या है कि उसके पीछे कुछ ground हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आगे हम जो 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी exception पढ़ रहे हैं, उनमें पहला वाला automatically by default included है, इसको ध्यान के में रखना। कहाँ से पता चला हमको ये? अन्ना हजारे से, क्योंकि exception 2 में तो आया फिर भी माफी नहीं मिली। इसका मतलब है exception 1 by default embedded है बाकी सारे explanation में भी। Exception 3 देखें, एक्सेप्शन 3 कहता है कंडक्ट टचिंग पब्लिक क्वेश्चन, आप लिखिए एक्सेप्शन 3 में, आचरण जो लोक प्रश्न को छूता हो, कंडक्ट टचिंग पब्लिक क्वेश्चन, लोक प्रश्न को छूने वाला कोई आचरण। जैसे एग्जांपल आपको दे दूं लेटेस्ट अभी का, एक व्यक्ति है जिसने दिल्ली, ऐसा कहा जा रहा है कि वो आप पार्टी का कार्यकर्ता है, वी डोंट नो, कोई भी कुछ कहता है ना तो हमको बड़ी समस्या है हमारे देश में, हम उसको एक चोला पहना देते हैं। मतलब जैसे आप बीजेपी की तारीख में कुछ कह दो, पक्का आरएसएस वाला होगा, बीजेपी के खिलाफ कह दो कांग्रेस वाला होगा, कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ में कह दो आप या होगा, क्या होगा? आप या इन नैनन में पलक बांध तो लूं, आप वाला, तो कोई तो होगा ये, है ना। महिलाओं के खिलाफ बोल रहा हो तो पक्का पुरुष होगा, हाँ पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हो तो पक्का महिला होगी, कुछ भी चल रहा है। नहीं हम किसी को ऐसे समझें कि ये इंसान है, सिटीजन है, इसको भी बोलने का अधिकार है, ऐसा हम मान ही नहीं रहे। तो एक एक ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको, दिल्ली में अभी जो सेकेंड वेव आया उस समय एक आदमी ने जगह जगह पोस्टर लगवा दिए, आपने सुना होगा ये न्यूज, और उसमें प्रश्न था प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश काय के लिए भिजवा दी रे, ऐसा लिखा, क्या भिजवा दी? और पीएमओ ने कहा कि नहीं नहीं हमने देश के नहीं भिजवाया, जबकि वो जो स्टेटमेंट आया जो यूएन में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके स्टेटमेंट के बाद आया, उन्होंने खुद कहा वहां पर में कि भारत ने जितने वैक्सीन अपने देश में नहीं लगवाया उससे ज्यादा विदेशों में बांट दिए, काय के लिए, उसका नाम दिया वैक्सीन मैत्री, क्या नाम दिया था? वैक्सीन थ्रू फ्रेंडशिप थ्रू वैक्सीन, और फ्री में बांटे, ऐसे नहीं कि पैसे लिए हों, मैक्सिमम कंट्रीज को फ्री में बांट दी वैक्सीन, और हमारे देश में लोग लाइन लगा के आज भी खड़े हैं। क्या ये डिफेमेशन है? इसका आंसर है नो, ये क्लियर कट थर्ड में आएगा, और इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ जो पहला वाला है वो तो है ही,
उनका खुद का गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएन में, जहां उन्होंने कहा है कि हमने हमारे देश में कम लगवाए हैं, विदेशों में ज़्यादा भेज दिए। वो अच्छी होशियारी बता रहे थे, उनको नहीं पता था ये अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये थर्ड में आएगा, वन तो इंक्लूड है ही, आप इसको समझना, क्लियर है। इसीलिए क्या किया पता है उन्होंने, 124A लगा दिया सब पर, 10 लोग अरेस्ट भी हुए, क्योंकि इसमें तो बैठता नहीं वो, और उसमें भी वो बैठेगा नहीं, है ना, बाद में तो माफी मिल ही जाएगी, 124A में भी कहीं नहीं आने वाला। ठीक बात है, वो गलत नहीं है। चलिए, ये बात और है कि गवर्नमेंट की मजबूरियां कुछ है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। फोर्थ में हम चले, लिखिए पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग क्या है, न्यायालय की कार्यवाहियों का प्रकाशन। अगर आप हाई कोर्ट और इवन कई बार लोअर कोर्ट की भी पब्लिश हो जाती है, अगर बहुत रिनाउंड केस है, सेलिब्रेटेड केस है अगर, तो जितने लोग होते हैं ना, कौन ये मीडिया वाले, ये सब पहुंच जाते हैं कोर्ट रूम में, वहां पर में चीजें चलती हैं। जैसे आपने केम नानावती वाला केस अगर देखा है, तो उसमें मीडिया हमेशा मौजूद रहती थी, या धीरू भाई अंबानी वाला जो केस हुआ था, उसमें मीडिया हमेशा मौजूद रहती थी। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग कौन पब्लिश कर सकता है, मीडिया कर सकती है पब्लिश, अलाउड है। और आज की डेट में तो जजमेंट भी सारे पब्लिक प्लेस पे, अगर आप देख रहे हैं तो, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप टाइप करें तो निकल आएगा, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही करवा रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में। अब जब कभी ऐसा कोई जजमेंट आता है, तो उसमें जरूर किसी को क्रिटिसाइज किया होगा, जज ने कुछ बोला, फिर सामने वाले ने कुछ बोला, फिर जज ने कई बार एडवोकेट को डांट लगा दी। अभी एक ऐसा हुआ, वर्चुअल हियरिंग चल रही थी, तो एक वकील साहब तो बहुत होशियार होते हैं, वो दो कोर्ट में एक साथ प्रेजेंट हो गए, ठीक। और होशियार होने के साथ में टेक्निकल जानकारी भी ना जरूरी है ना, एक जगह आर्ग्यू कर रहे थे, दूसरा वाला चालू रह गया, नाराज हो गए जज साहब, ये क्या तमाशा चल रहा है, एक साथ दो जगह। एक में ऐसा हुआ कि चल रहा था वीडियो, खाना खाने लग गया अगला, भोजन की थाली आ गई, वो खा रहा है, तो और उसमें हमारे अटॉर्नी जो हैं वेणुगोपाल साहब भी थे, तो वेणुगोपाल साहब ने बोला खाना हमको भी भिजवा दो, अकेले ही खा रहे हो, वो गड़बड़ा गया कि क्या हुआ। तो कई बार हम क्या है, वीडियो ऑफ कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्यादा रहते हो तो आपको पता होगा, जैसे मेरे ऑफिस में आके देखो तो कैमरा मेरे सामने लगा है मुंह के, और कई बार पता नहीं चलता है भैया ऑन है कि ऑफ है, ऐसे वाले में तो मेरे कैमरे में घूंघट भी है, तो घूंघट डाल देता हूँ तो पता चलता है बंद है, खोल दो तो पता चलता है कि नहीं खुला है ये, तो ऐसा वाला कैमरा चालू रह गया, खाना खा रहे हैं। तो ये बातें अगर पब्लिश हो गई, कहाँ पब्लिश हो गई, न्यूज़ में आ गया, मीडिया में आ गया, तो क्या ये मीडिया वाला, न्यूज़ वाला उसको डिफेम कर रहा है क्या, एक्सेप्शन 4 कह रहा है नहीं, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसका पब्लिकेशन अलाउड है। कब तक? Until and unless it is prohibited by the court itself. इसे कहते हैं कैमरा ट्रायल। क्या कहते हैं? एक वर्ड आप लिखें, कैमरा ट्रायल, CAMERA, कैमरा ट्रायल। और कैमरा ट्रायल का मतलब कैमरे में ट्रायल नहीं होता, आप समझें, कैमरा ट्रायल का मतलब वर्चुअल ट्रायल नहीं होता, कैमरा ट्रायल का मतलब ई ट्रायल नहीं होता, कैमरा ट्रायल का मतलब होता है बंद कमरे में, जो हमारा हिंदी का कमरा शब्द है ये कैमरा से ही आया है, इसका मतलब होता है एक चैम्बर में सुनवाई हो रही है जहां कोई भी आ नहीं सकता, किसी को अलाउ नहीं आना, तो कैमरा ट्रायल की पब्लिकेशन नहीं होता। और कैमरा ट्रायल वाले प्रोसीडिंग का कभी पब्लिकेशन होगा, जो कि ऑल इंडिया रिपोर्टर में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया कुछ हुआ, वहां लोगों के नाम नहीं आते, वहां मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसमें नाम नहीं आएगा, क्योंकि किसी का डिफेमेशन हो रहा होगा उसमें। जैसे मान लेते हैं रेप वाला केस है, तो ऑलरेडी एक महिला पहले से ही परेशान है, अब कोर्ट में क्या क्वेश्चन हुए, उसने क्या आंसर दिया, इस बात को पब्लिश कर दें तो और परेशान होगी वो, ऐसी वाली बातें नहीं पब्लिश होती। इवन डिफेमेशन का जो केस है उसका भी कैमरा ट्रायल होता है इटसेल्फ, इसका भी पब्लिकेशन नहीं होता। कहाँ होता है? ये बंद कमरे में होता है, आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, एक्सेप्शन नंबर 5 देखें, 5वां नंबर, ये लिखा है ओपिनियन एज टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय के बारे में दी गई कोई राय। किसके बारे में? ओपिनियन एज टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय के बारे में कोई राय दी गई, कोई राय। और जब आप इसको देखें तो इसमें आपको एक बात समझ में आएगी, जो 5वां एक्सेप्शन है, इसमें ऐसी भी कोई बात आती है जो कोर्ट में कही गई है। जैसे मान लेते हैं किसी के बारे में, ए नाम का आदमी है, उसके बारे में कोर्ट में ही बी नाम का विटनेस कह रहा है कि ये चोर है, कह रहा है उसके बारे में, तो ये बातें एक्सेप्शन में आती हैं, इसके लिए कोई डेफेमेशन का केस नहीं होता। और अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के बारे में अपना ओपिनियन आप देना चाहते हैं, समझना, एक तो होता है ओपिनियन, आपको लगता है कि ऐसा ऐसा है, एक आप कह दें कि ऐसी बात जो कंटेंप्ट में चला जाए, डेफेमेशन में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा?
तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन है, देखें दो इलस्ट्रेशन देखें. इलस्ट्रेशन नंबर ए कहता है, ए सेज आई थिंक जेड्स एविडेंस ऑन द ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट. उसके स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है, ऐसी बातें कह रहा है, जैसे एक जगह कहा कि हाँ ये था वहां पर मैं, दूसरी जगह कह रहा है वहां था ही नहीं, तीसरी बार कह रहा है मुझे पता ही नहीं क्या हुआ था. इतना कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है विरोधाभासी, एक बात कुछ कहा दूसरे में फिर कुछ कहा. तो कहता है ऐसा बोल रहा है कोर्ट में वो, या तो स्टूपिड हो गया या डिसऑनेस्ट होगा, बेईमान है या मूर्ख है. तो क्या ये डेफेमेशन है? ना, ये एक्सेप्शन 5 में आएगा क्योंकि वो स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है बात. इलस्ट्रेशन बी कहता है, बट इफ ए सेज, ए एक ऐसा कहता है कि आई डू नॉट बिलीव व्हाट जेड असर्टेड एट द ट्रायल बिकॉज आई नो हिम टू बी अ मैन ऑफ विदाउट वेरिसिटी. कहता है कि ये जो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है ये झूठा आदमी है. मैन ऑफ, नॉट अ मैन ऑफ वेरिसिटी का मतलब होता है झूठा आदमी, सत्यवादी नहीं है, झूठा है. तो ये जो कुछ भी कह रहा है झूठ ही होगा. मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये कह रहा था, आप जनरलाइज लोगों को ना करें. मैं कह रहा था ना, एक आदमी ऐसा कहता है, सारे आदमी खराब नहीं है. उससे आगे की ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई आज झूठा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही झूठा है वो, है ना. एक दिन मुझे कभी मिला कोई बेईमान रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छा बड़ा अच्छा शेर है ऐसा कि तुम किसी के बारे में अपनी राय मत कायम करना. हमने तो पूरे कम्युनिटी के बारे में राय कायम कर रखी है, और शेर क्या कह रहा है, तुम किसी के बारे में अपनी राय मत कायम करना, उसका वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी. अरे वाह करो. हम सोचते रहते हैं कि ये बेईमान है, ये चोर है, ये गधा है, ये मूर्ख है, ऐसा होता नहीं है. लोग बदल जाते हैं अचानक से. मेरा एक मित्र है, उसका नाम है शंकर, 11th क्लास में फेल हो गया. हम चले गए 12th, अगला रह गया फेल. बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और हम क्या समझ रहे थे, बहुत समय बाद बंदा मुझे, उसने मुझे कॉल लगाया, मेरे ख्याल से एक साल के ऊपर हो गया, और जब मेरी बात हुई तो पता चला वो क्या कर रहा है. ही इज अ सीनियर साइंटिस्ट इन DRDO, और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है पायलटलेस जो फाइटर प्लेन है उस पर, ही इज द चीफ ऑफ दैट. उसका वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी, इंतजार करने की जरूरत है. वो यही कह रहा है, ये इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, आप किसी को जानते हैं कि वो झूठा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी झूठ बोल रहा है. यू कैन नॉट से दैट. या जैसे आगे एग्जाम्पल आएगा देखना, एक जो छठा वाला एक्सेप्शन है, इसमें ये कहता है कि मान लेते हैं आप किसी को जानते हैं कि आदमी खराब है, अच्छा हाई वैल्यू वाला आदमी नहीं है, उसने कोई किताब लिखी, आप उस बुक के बारे में बात करने से पहले पढ़ें उसको, क्या करें, और पढ़ने के बाद अगर अपनी ओपिनियन आप देते हैं कि बेकार किताब लिखा है, आदमी भी बेकार ही होगा, ठीक बात बोल रहे हो आप, लेकिन आप कह रहे हो बेकार आदमी है उसकी किताब बेकार ही होगी, गलत कह रहे हो आप. तो आपकी ओपिनियन विद सर्टेन ग्राउंड्स होना चाहिए, इस बात को आप समझें. ग्राउंडलेस बात है कि आज बेकार आदमी है तो बेकार ही होगा, तब था होगा ना जब आप मिले थे बेकार, अभी अभी नहीं होगा बेकार. कि आप कह रहे हो कि मुगल थे इसीलिए ऐसा चल रहा है, नहीं, मुगल चले गए, अब गूगल का जमाना है. किसका जमाना? गूगल का जमाना, अभी की बात करें. तो आप ये वाला दो इलस्ट्रेशन जो है एक्सेप्शन 5 में, इन दोनों को नोट डाउन करें, भूलना नहीं आप इसे. एक्सेप्शन 6 देखें, ये बात कर रहा है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में. किसके बारे में? मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस. अब पब्लिक परफॉर्मेंस क्या होता है इसे आप समझें. जो कुछ भी आपने पब्लिक के बीच में छोड़ दिया, जैसे आप स्टेज में कोई भाषण दे रहे हो, डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो, या आपने कुछ वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया, दिलों का शूटर, हाय मेरा स्कूटर, तो आपने जब इसे पब्लिक के बीच में डाला है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों से कमेंट्स चाहते हैं. कोई ये कहता है कि नहीं तो मैं तो फेसबुक में फोटो इसीलिए अपलोड करता हूं क्योंकि अपलोड करना होता है, मुझे लाइक से क्या लेना देना, झूठा है. कैसा है? क्योंकि हमने डाला ही ये फोटो इसीलिए ताकि चार जने देख करके 6 लाइक करें, 2 लव आ जाएं, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है व्हाटएवर, या 1 लव आ जाए, 5 लाइक आ जाए, 6-7 कमेंट आ जाए, पब्लिश किया ही उसे ले जाता है. अच्छा, एक बात और समझना, ऐसा नहीं कि आज लोग ऐसा कर रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं आज दिखावे का जमाना है, दिखावे का जमाना हमेशा ही है. पहले हम क्या करते थे, हम घूमने जाते थे, फोटो खींचते थे, ला करके उसको रोल कर डेवलप करवाते थे, फिर उसका एल्बम प्रिंट आउट करवाते थे और इंतजार करते थे कब आएगा कोई देखने. फिर वो आदमी आता था, भले 2 मिनट के उसको बैठा थे, बोलते देख हम यहाँ यहाँ घूमने गए थे, फिर वो देखता था
फिर कहता था हाँ 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 जन्नत घुमाए आप, दिल को ठंडक मिलती थी, पैसे ठीक जगह खर्च किए। घर का इंटीरियर करवाते थे, अगला आए आकर के देखे, देख कर क्या कहे, क्या शानदार घर में रहते हो आप। दिखावे का समय तो हमेशा से ही है, क्योंकि जिसको दिखावा नहीं करना वो कहाँ है, जंगल में। अब बस स्पेक्ट्रम बड़ा हो गया, पहले हम प्रिंट आउट निकाल कर चार दोस्तों को दिखा देते, 5,000 को दिखा रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। लेकिन जब कभी हमने पब्लिक के बीच में रखा, इसका मतलब क्या है, वी आर रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म एज वेल। मतलब मैंने पब्लिक के बीच में कोई बात रखी है, इसलिए रखी, सिर्फ तारीफें ही आए, कोई कमी भी बताए, कहे कि ये ठीक नहीं है, खराब बात बोल गए, हमको नहीं समझ में आई बात, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लॉजिकल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फलां जाति के हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, आप फलां समुदाय से हो, ये तो गलत बातें हैं। आपको कमेंट पे सफर करना चाहिए उस स्टेटमेंट पर कि गार्गी तुम बेसुरी हो, अगली बार से मत गाओ, क्षमा करो। ठीक है, आपने उस गाने को सुना, इसका मतलब नहीं अगला भी गाना बेसुरी हो। कौन जाने गार्गी जाए, गाना सीखे, इस बात से मोटिवेट हो, अगले बार फिर गाना डाले, और आप बिना सुने ही लिख रहे हो, ये तो बेसुरी है, क्या अच्छा गाएगी, ना सुनो ना। क्लियर बात है, तो पहला वाला डेफेमेशन नहीं था, दूसरा वाला डेफेमेशन है, इस बात को आप समझना। यही लिखा हुआ है, आप देखें यहां पर मैं इलस्ट्रेशन नंबर डी, इलस्ट्रेशन नंबर ई। डी कहता है, एस इज ऑफ अ बुक पब्लिश्ड बाय जेड, इस जेड का नाम ले लो चेतन भगत। जेड बुक इज फुलिश, कहता है कि मूर्खतापूर्ण किताब है ये, जेड मस्ट बी अ वीक मैन, कमजोर आदमी होगा, घटिया आदमी होगा, ऐसी वाली बात है। जेड बुक इज इंडिसेंट, अश्लील किताब लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है। जेड मस्ट बी अ मैन ऑफ इम्प्योर माइंड, कहता है कि उसका दिमाग जो है इम्प्योर है, अशिष्ट है, अश्लील आदमी है, ऐसी अपवित्र विचारों का आदमी है। अब कहता है कि ये जो कुछ भी कह रहा है ठीक बात है, डेफेमेशन नहीं है, अगर उसने किताब पढ़ने के बाद कहा है, ठीक बात। इलस्ट्रेशन सी ई क्या कहता है, बट इफ ए सेज, ये कह रहा है, आई एम नॉट सरप्राइज दैट जेड्स बुक इज फुलिश एंड इंडिसेंट, फॉर ही इज अ वीक मैन एंड अ लिबर्टाइन, कह रहा है मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, घटिया किताब है, आदमी घटिया है, ये डेफेमेशन है। क्या ये डेफेमेशन? तो ये दो बातें आप समझना, कहां पर में डेफेमेशन है, कहां नहीं है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन ई और सॉरी इलस्ट्रेशन डी, यस दोनों, और फिफ्थ वाले से एक्सेप्शन ए और एक्सेप्शन बी, यही वर्ड्स पूछे जाएंगे, कब ये डेफेमेशन है, कब ये नहीं है। अगर आप ठीक से समझ रहे हो तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे, नहीं समझ रहे हो तो ये इलस्ट्रेशन लिख करके रट लेना, यही बातें बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन नंबर सेवन, एक्सेप्शन सेवन में लिखना, सेंसर पास्ड बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। ये जो वर्ड है सेंसर, इसका मतलब है निंदा, बुराई, परिनिंदा शब्द लिखा है, इतना परिनिंदा है ना, पास बाय हूम अ पर्सन हु इज हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। मास्टर साहब ने स्टूडेंट को कह दिया, गधे पढ़ करके आया कर, मास्टर साहब यहां बचेंगे, कहां बचेंगे, एक्सेप्शन सेवन में बचेंगे, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, ये बच्चा पढ़े या आगे बढ़े, ऐसी वाली बात। या लिखा है वहां पर में कि जज ने किसी को कुछ कह दिया, कहा कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक से बैठो, चुप रहो, चोर हो क्या तुम, ऐसी वाली बात कह दी, ठीक है, ही इज हैविंग लॉफुल अथॉरिटी, और जो कुछ भी वो कह रहा है एक्सेप्शनल है, माफी योग्य है। बस देखना ये होगा कि क्या वो गुड फेथ में कह रहा है, मतलब मास्टर साहब भी किसी से अगर कह रहे हैं तो उनका विचार ये है कि ठीक इंसान हो जाए, पढ़ जाए, ऐसा करने के लिए या बेइज्जत करने के लिए कह रहे हैं। मास्टर साहब भी दो तरह के होते हैं ना, ऐसे वाले मास्टर साहब भी होते हैं, खुन्नस निकालने वाले भी होते हैं, खुन्नस ही निकालते रहते हैं, तो वो तो ऑफेंस में आएगा, समझना है ना, दैट इज एन ऑफेंस। तो इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, लिखा है वहां पर मैं, शब्द देखना है यहां पर मैं, लिखा है कि इट इज नॉट डिफेमेशन इन अ पर्सन हैविंग ओवर अनदर एनी अथॉरिटी आइदर कंफर्ड बाय लॉ और अराइजिंग आउट ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मेड विद दैट अदर टू पास इन गुड फेथ, शब्दावली है सद्भावना पूर्वक करेगा, ये गुड फेथ काम का है, और गुड फेथ का मतलब क्या बताया मैंने, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्सन और फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी लॉ, कानून को बनाने के लिए, नियम को बनाने के लिए बात की जा रही है, गुड फेथ में की जा रही है, मतलब इंटेंशन उसको डिफेम करना नहीं है, तो वो माफी योग्य होगा एक्सेप्शन सेवन में। आप इसमें देख लें, इसमें माता पिता आते हैं, टीचर आते हैं, जज आते हैं, डिपार्टमेंट का एचओडी है तो वो आता है, बॉस आएगा, ये सब लोग इसमें आते हैं कि पब्लिकली ये किसी को भी बेइज्जत करने का अधिकार रखते हैं, ऐसा एक्सेप्शन सेवन कह रहा है। ठीक बात समझ में आई, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे उम्मीद है कि नहीं है।
ये इतनी सी बात जब समझ में आ जाएगी तो जीवन आसान हो जाएगा, है ना। हमको इतनी सी बात नहीं समझ में आती। इससे मुझे एक अच्छी बात याद आ गई, तुम्हें समझाऊँ, और तीन एक्सेप्शन और बचे हैं फिर करते हैं। ऐसा हुआ कि शायद तुम में से बहुत कम को पता होगा, एक समय मैं तबला बजाया करता था, तो आई एम अ बॉर्न म्यूजिशियन, और एक समय सोचता था यही बनूंगा जीवन में आगे जाके, जब तक एक महान व्यक्ति से नहीं मिला। उनका नाम था पंडित छोटेलाल व्यास, अद्भुत कलाकार। मतलब जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनकी 82 ईयर्स थी। और आपने पंडित जसराज का नाम सुना है, पंडित जसराज, पंडित विश्वमोहन भट्ट, बड़े बड़े लोग उनके सामने चरण नवाते थे, इतने बड़े कलाकार थे वो। तो मैंने जब अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तबले में, तो कहीं से जानकारी मिली, पेपर वगैरह में छपा, तो मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी जीतता था उस समय तबले में। तो उन्होंने बुलावा भेजा, बोले कि आ तबले में संगत करना है, कि दूरदर्शन का एक प्रोग्राम था बड़ा। तो मैं और मेरे पापा हम पहुँचे वहाँ पर। मैं जब पहुँचे तो अच्छे कपड़े पहनने का मुझे शुरू से शौक है, बकायदा जरी मरी वाला कुर्ता रेड कलर का पहन के चमाचम पहुँच गए वहाँ। और मैंने बताया जीवन में जब आप शुरू करते हो ना, शुरुआत आपकी यहाँ से होती है, कहाँ से, कि आपको कुछ नहीं आता। जिस दिन कुछ नहीं आता पता होगा उस दिन आप शुरू करोगे, जिसने शुरू नहीं किया उसको समझना ये भी नहीं पता उसे कि मुझे नहीं आता। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मुझे ये आ गया, ये दूसरा चरण है। मैक्सिमम यहीं अटक जाते हैं, फिर उसके आगे की यात्रा शुरू होती है वापस यहाँ तक, मुझे कुछ नहीं आता। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ और लर्निंग। तो मेरा समय वो जीवन का ये वाला था, मुझे लगता था जाकिर हुसैन का बाप मैं ही हूँ। तो पहुँचे वहाँ पर मैं, उन्होंने अच्छा उनकी उनका रिहर्सल सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इतने बड़े कलाकार थे वो, अब तो चले गए दुनिया छोड़ करके, अब मोबाइल और चीज़ें नहीं थी, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको, उनको ऐसे व्यक्ति इनको 24 घंटे सुना जा सके। तो कभी मैं बताऊंगा उनके बारे में, तो बहुत उनको किताब लिख सकता हूं मैं उन पर। पहुंचा वहां पर मैं और बकायदा तबला ओपन किया, और उन्होंने राग जोग, एक बड़ा राग होता है, वो गाने के लिए शुरू किया। और जैसे उन्होंने शुरू किया तो मैंने घिंद्र कृतता कहते टेका था, घिना धा तू ना घिना तू ना धा तू ना धा तू ना धा तू ना कथा घिना तू ना धा तू ना धा तू ना धा तू ना कथा घिना तू ना धा तू ना धा तू ना धा तू ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना। और मैं उसे जैसे ही बजाऊंगा कहेंगे वाह। मैंने जैसे ही बजाया बोला तबला छोड़, आप सोच लो इतने लोगों के सामने मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या कि तारीफ मिलने वाली, अभी आएगा वाह ऐसा, उल्टी बात हो गई, बोले छोड़। मैं शॉक्ड, ये क्या चल रहा है यार, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कौन जाकिर हुसैन का बाप, मैं आम आदमी नहीं हूं ना, समझना। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम सोचते हैं हम राष्ट्रपति कोविंद हम ही हैं, तो मास साहब ने ऐसा कैसे बोल दिया, प्रॉब्लम यही है। मैं समझ रहा था मैं जाकिर हुसैन का बाप। उन्होंने कहा कि क्या बजाया ये, मैंने कहा सर उठान लेकर के सम पर आया, छोटा बच्चा ही था मैं तब, दाढ़ी भी नहीं थी मेरी। तो बोले आता है तबला बजाना तुझे, बोले उठा एक कागज पेन, ये लैंग्वेज थे उनके। और मेरा दिमाग ऐसा कर रहा था कि तबला उठा के सिर पर दे मारो, खत्म करें यहां से सारा किस्सा, यकीन मानो मेरा मतलब अंदर से खून खौल रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे जब्त कर गया मैं ऐसा हूं नहीं जब्त करने वाला, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, लेकिन हाँ संभालने की कोशिश अपने आप को खूब करता हूं। तब भी किया, कागज उठाया, पेन उठाया, और अंदर से गुस्सा तो खूब आ रहा था, जैसे प्रदीप को आता है कभी कभी। मैंने बोला सर बताइए, उन्होंने बोला लिख। तबले में शुरुआती जब आप सीखते हैं तो ABCD होती है, धाधा तेटे धाधा तूना ताता तेटे धाधा तूना। मैंने लिखा, सब बैठे हैं ना, पूरा सन्नाटा सुप्त बैठा हुआ है, चल क्या रहा है ये। जैसे लिखा मुझे पूछा तुझे आता था, जी आता था सर। फिर क्यों लिखा, मैंने सोचा कि आप कुछ नया लिख पा रहे होंगे। बोले ठीक है आ बैठ बजा, बहुत अच्छा बजाता है तू। बोले ये सब किया इसलिए कि तेरा घमंड कम करना था, तू आसमान में था साथ में। बोले तुझे अभी तबले में तबले का त नहीं आया है, और इतने घमंड को लेके चलेगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। आ बाप रे क्या बढ़िया बात बताई। और मतलब वो दिन था और आज का दिन है, मुझे समझ में आता है कि नॉलेज इतना विशाल है ना कि आप जीवन खत्म हो जाएगा सीखना मुश्किल है। तो वो तबले का था आज भी नहीं आया जो उन्होंने कहा था उस समय नहीं आता। और ये दिस इज द लर्निंग क्वेश्चन, ये है कि क्या डिफेम कर दिया उन्होंने जाकिर हुसैन के पिताजी अल्लाह रखा खां को, नहीं किया। ये एक्सेप्शन 7 में आता है, कहां आता है ये, यही अपवाद नंबर 7 है, आप इसे जाने, है ना। और मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय मिजाज दिखा गया होता, 2 मिनट लगते मिजाज दिखाने में, छोड़ के चला जाता, नहीं जरूरत थी, कौन जाने तबला उठा के ही मार देता। लेकिन नहीं, वो जो शांत रहना था, आई कैन नॉट टेल यू कि क्या क्या सीखा उनसे, उनके बुढ़ापे की उम्र में बहुत कुछ, जीवन के बारे में, चीजों के बारे में,
और मुझे बड़ा प्रेम करते थे वो. उसका रीज़न था कि उनके बाद फिर कभी उनके सामने जरी वाला कुर्ता पहन के नहीं गया क्योंकि उन्होंने मुझे टोक दिया, बोले जरी वाला कुर्ता से पहन के जाकिर हुसैन समझता है अपने आप को. मैं बोलने वाला था जाकिर हुसैन का बाप, आप कम कर गए. तो उनका कहना था कि ये जरी वाला कुर्ता तब पहना जब तू तबला सीख ले. कभी नहीं पहना उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि फिर कभी सीख ही नहीं पाया, दूसरी दुनिया है वो. आइए चलिए एक्सेप्शन नंबर 7 में. एक्सेप्शन नंबर 8 लिखिए यहाँ पर मैं वर्ड लिखना, प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष लांछन लगाना. अक्यूजेशन इन गुड फेथ, एक शब्दावली आप लिखनी 8 में, अक्यूजेशन इन गुड फेथ कीवर्ड. अब ये क्या है अक्यूजेशन इन गुड फेथ, आप इस बात को समझें. जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा जब हम अक्यूजेशन इन गुड फेथ कहेंगे टू द लॉफुल अथॉरिटी, आरोप किसके सामने लगाने का, ऐसे आदमी के सामने में जिसके सामने लगाया जा सके. जैसे एक भाई अपनी बहन की शिकायत पिताजी से करता है, क्या कि पढ़ नहीं रही है दिन भर रात भर, है ना, बोलती है कि सिविल जज की तैयारी कर रही हूं, चाय ही पीते रहती, जब भी भोमर कुआं से निकलता हूं चाय एक सुट्टा बार में रहती है, वहां से धुआं भी उठता रहता है. तो क्या ये भाई बहन को डिफेम कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसकी बहन पढ़े. पिताजी डांट लगाएंगे तो क्या होगा, चार सुट्टे कम होंगे, नींद जल्दी आएगी, पढ़ाई ठीक होगी. तो ये गुड फेथ में लगा. तो टीचर के सामने किसी पर आरोप एलिगेशन लगाना, पिताजी के सामने, जज के सामने एक विटनेस दूसरे विटनेस के अगेंस्ट या अक्यूज के अगेंस्ट कोई बात कहता है, माफी योग्य है. एक्सेप्शन 8 में आएगा. यही है क्या कहा गया इसे, अक्यूजेशन इन गुड फेथ. आरोप ही है ये, लेकिन माफी योग्य है, आप इसे समझें. क्लियर है? एक्सेप्शन नंबर 9 लिखिए. अपवाद नंबर 9, फिर 2-3 केस लिखवाता हूं, फिर आज की क्लास क्लोज करेंगे. लेकिन इंप्यूटेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंप्यूटेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ, इंप्यूटेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और अदर्स इंटरेस्ट, ऐसा शब्द लिखना. इंप्यूटेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स इंटरेस्ट, किसी दूसरे के हित को सुरक्षित रखने के लिए आरोप लगाना. और ऐसी एक बात यहां भी है जो 10वां वाला भी मिलता जुलता है, कॉशन फॉर पब्लिक गुड. ये दोनों देखने में सेम है, लोक या जनसाधारण की भलाई के लिए दी गई चेतावनी, 10वां वाला होगा, लोक या जनसाधारण की भलाई के लिए दी गई चेतावनी. दोनों में डिफरेंस क्या है मैं समझा दूं. जब हम बात करते हैं अक्यूजेशन या इंप्यूटेशन शब्द के बारे में, तो किसी के बारे में भला बुरा कहना होता है, और वार्निंग या कॉशन जो है वो किसी को दिया जाता है. ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस, दोनों क्योंकि देखने में सेम ही है. जैसे एक आदमी है वो सामान खरीदने के लिए कहीं गया, तो एक दोस्त है जो उस दुकान में बैठा हुआ है अपने दोस्त के साथ, और कहता है ये आदमी जो है ठीक नहीं है, इसको सामान उधारी में मत देना. क्या ये डिफेमेशन है? ये किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या उसके हित को सुरक्षित करने के लिए है कि ये भाई इसको उधार में दे देगा, ये भाग जाएगा. अगर इसके पास ग्राउंड्स हैं, फिर मैं जाता हूं वापस कहां पर मैं, एक्सेप्शन 1 एम्बेडेड है, ध्यान रखना, इंप्यूटेशन ऑफ ट्रूथ होना चाहिए. आप ऐसे ही हवा हवा में किसी के बारे में बात ना करें. इसने कभी किसी को उधार लेते हुए देखा होगा, किसी को बोलते हुए सुना होगा, कुछ तो होगा. ग्राउंडलेस बात नहीं होनी चाहिए. जैसे बोलते हुए सुना मैंने कहा, तो उसके पास भी सर्टेन ग्राउंड होने चाहिए. र्यूमर्स नहीं होने चाहिए. तो र्यूमर्स को फैलाना तो अपने आप में ऑफेंस है, अगर आप अफवाहों को फैला रहे हैं. तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई बात है जो सच्ची है, उसके बारे में आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, कोई बात नहीं है. या आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है. दोनों का संबंध किससे है? पब्लिक गुड से, या किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से. अगर इन 10 बातों में कोई चीज आ रही है तो आप इसे अंडरलाइन कर लें कि ये डिफेमेशन नहीं है, ये अपवाद में आएंगे, मतलब ऐसा करने के बाद भी आदमी बचेगा. अब समझो, मैं आपको बता रहा था कि जब कभी किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला चले, कौन सा मामला, तो आप देखें कहीं ना कहीं 10 एक्सेप्शन में आएगा. अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो बचने के चांसेस कितने हैं? 100% चांस है. हाँ 99, ठीक है, वो डेटॉल भी 1% जर्म छोड़ देता है, तो 99% चांस है बचने के लिए. 1% आदमी फंस सकता है. कौन से वाले मामले में? अन्ना हजारे जैसे वाले मामले में. तो अन्ना हजारे ने कोर्ट में कहा होगा कि मैं माफी वाफी नहीं मांगूंगा, अदरवाइज वो माफी मांगते तो ही काम हो जाता. लिखिए केस, लिखिए एक और, राधानाथ वर्सेस बिरज प्रसाद, राधानाथ बनाम बिरज प्रसाद का मामला, BIRJA,
1992. इस मामले में हुआ क्या था बताऊं, एक राधानाथ जी जो है एक न्यूज़पेपर के ओनर हैं, और हुआ ये कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ किसी आदमी के नाम पर, विच वॉज डिफेमेटरी, इट वॉज अ लाइबल, इसे कहा जाता है अपमान लेख, प्रकाशित हुआ। और सेकेंड डे ही अगला जो सब्सिक्वेंट उसका जो इशू आया मार्केट में, उसमें उन्होंने बकायदा उसके बारे में माफ़ी मांगी कि बाई मिस्टेक ये पब्लिश हो गया, इनकी जानकारी के बिना पब्लिश हो गया, इनका मन उसको डिफेम करना नहीं था, इसी बात लेकर के उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा क्योंकि इंटेंशन नहीं था, इलविल नहीं था, माफ़ी भी मांग ली गई थी, इसीलिए मामला चलाने का आधार नहीं बनता, देर इज़ नो ग्राउंड फॉर सस्टेनिंग द पर्टिकुलर केस, और कोई केस रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको ये जानना चाहिए तो लिख लीजिए, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट पब्लिकेशन ऑफ अ डिफेमेटरी आर्टिकल, यह अवधारित किया गया कि कोई अपमान लेख जिसका प्रकाशन हुआ हो, पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी आर्टिकल, कोई अपमान लेख जिसका प्रकाशन हुआ हो, विच वॉज अपोलोजाइज्ड, जिसके बारे में माफी भी मांग ली गई हो, इन सब्सिक्वेंट इशू, जिसके बारे में पश्चातवर्ती प्रकाशन में माफी मांग ली गई हो, ऐसा लिखना, विच वॉज अपोलोजाइज्ड इन सब्सिक्वेंट इशू, जिसके बारे में पश्चातवर्ती प्रकाशन में माफी मांग ली गई हो, विल नॉट बी लायबल फॉर पनिशमेंट, सजा का पात्र नहीं होगा। Will not be liable for punishment. तो मैंने बताया अन्ना हजारे वाले मामले में हुआ होगा कि माफी नहीं मांगी होगी, ऐसा कुछ कहा होगा। सेक्शन लिख लिए पनिशमेंट के लिए, सेक्शन 500, 501, 502, 500, 501, 502। अच्छी बात आपके लिए है कि सब में 2 साल की सजा है। क्या क्या चीजें हैं, 500 में डिफेम करने के लिए पनिशमेंट है, 501 में ऐसे कोई डिफेमेटरी पब्लिकेशन को अपने पास रखने के लिए, और 502 में बेचने के लिए। मतलब डिफेमेशन से रिलेटेड कोई भी सेक्शन आ जाए, पनिशमेंट कितना है, 2 साल आप ऐसे याद कर लो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी सेक्शन लिखाओ, कितनी सजा, 2 साल की सजा होगी, आप इसे लिख लें। और ये इम्प्रिजनमेंट सिंपल है, आप ये भी लिख लें, कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, इट मे बी सिंपल और रिग्रेस, या डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का, तो सिंपल है, सादा कारावास होगा, अधिकतम 2 साल का होगा, जुर्माना लेकर भी छोड़ा जा सकता है, और फाइन और बोथ लिखा है, देखें आप, ठीक है। केस नॉन कॉग्निजेबल है, ये भी आप ध्यान रखें, कैसा है, असंगीय मामला है, असंगीय मामले का मतलब है FIR नहीं होगा, क्या नहीं होगा, FIR नहीं होगा, कंप्लेंट होगा कोर्ट में। और जो चौथी बात आपको यहां नोट डाउन करनी है वो ये लिख लें कि केस कंपाउंडेबल है, मामला शमनीय है, हर एक बात से प्रश्न पूछा गया है यहां, है ना, तो टाइम ऑफ लिमिटेशन भी बाकी सारे में नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया है टाइम ऑफ लिमिटेशन कितना होगा, कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, वेदर इट इज कंपाउंडेबल, कितना पनिशमेंट होगा, इतनी बातें आप नोट डाउन कर लें। और ये भी पूछा गया है कितने एक्सप्लेनेशन और कितने एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे पूछे, मैं आपके साथ हूँ 5-7 मिनट और।